उसको मालूम है कि उसके दिन गिने चुने हैं, और ये मोस्टली सारे आतंकवादियों को वहाँ मालूम रहता है। जो मिलिटेंट्स हैं, उनके ओवरग्राउंड नेटवर्क हैं, स्लीपर सेल हैं, उनका मोराल बहुत बढ़ता है, उनका मनोबल बहुत बढ़ता है, उनको लगता है कि अब हमारी सरकार आ गई है। कई सारे पुलिस की फैमिलीज हैं जो वहाँ रहते हैं, उनको इतना डर लगता है कि वो एक एक दो दो साल तक अपने घर नहीं जा पाते वापस। एक चर्चा दाऊद इब्राहिम की भी आती है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम खुफिया एजेंसी को मालूम है कि काफी सालों से कराची में छुपा हुआ है, क्यों ना उस पर टारगेट किया जाए, उसको खत्म कर दिया। दीन मोहम्मद जागीर का दिल 65 में भारत के लिए धड़कता है, उसको कम से कम ये लगता है कि ये बात गलत है और इसको इसकी खबर उसको इंडियन अथॉरिटीज पुलिस को देनी चाहिए, और वो पुलिस को देता है, जिससे एक बहुत बड़ी घटना जो है, कम से कम कारगिल जैसी घटना जो 1999 में हुई, वो होने से रुक जाती है। पुलवामा और बालाकोट, ये दो शब्द सुनते ही हम हिंदुस्तानियों के जेहन में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और भारत की जवाबी कार्रवाई, ये याद आता है। लेकिन इनके बारीक ब्यौरे क्या हैं? पुलवामा में जो हमला हुआ उसकी साजिश किसने रची, कैसे रची, और भारत की जांच एजेंसियों ने उसका भंडाफोड़ कैसे किया, चार्जशीट में क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, बालाकोट पर हमले से पहले कहां पर हमले की तैयारी चल रही थी, इन सब ब्यौरों में जाएंगे तो ऐसी ऐसी कहानियां मिलेंगी जिनके आधार पर आपके कई नोशंस धाराशाही हो सकते हैं। 14 फरवरी 2019 पुलवामा की उस घटना से कुछ मिनट पहले, जब एक नौजवान जो आतंकवादी था अपनी घड़ी उतारकर दूसरे को देता है और कहता है कि मुझे अपनी प्रेयर्स में याद रखना, फिर एक और नौजवान जो बहादुर पुलिस वाला था तमाम सुरक्षा की चेतावनियों को किनारे रखकर एक ऐसी जगह पर सर्च के लिए जाता है जहां पर आतंकवादियों के समर्थकों का बोलबाला है, और वहां पर उसको एक चाबी और हड्डी का एक टुकड़ा मिलता है जिससे जांच का सर्कल पूरा होता है। उसके बाद एक कहानी जो अब तक शायद बाहर नहीं आई कि पुलवामा के बाद भी आतंकवादी कुछ विदेशियों को उसी जगह पर मारने की योजना बना रहे थे, लेकिन एक मैसेज आता है और ये कार्रवाई टल जाती है। या फिर ये कहानी कि किसी ने किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे रिप्लाई किया और एक तस्वीर भेजी गई जिलेटिन स्टिक की, और उससे पता चला कि किस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था पुलवामा के लिए। या फिर कहानी उस गुज्जर चरवाहे की जिसने हिंदुस्तान का, अपने वतन का साथ दिया, पद्मश्री मिला तो प्रधानमंत्री से दो बड़ी मासूम सी मांगे रखी, एक रेडियो और एक ब्याह में मदद की, लेकिन 25 साल के बाद उसके साथ कुछ बहुत खौफनाक हुआ। कहानी जमाते इस्लामी के कश्मीर में पांव पसारने की, कहानी ट्राल के तोरा बोरा बनने की, कहानी एक बौने के सिर्फ आतंकवादी बनने की और इंटेलिजेंस एजेंसियों को चकमा देने की, कहानी आजादपुर में सब्जी मंडी जो दिल्ली में है वहां पर हुई एक गिरफ्तारी की, कहानी एक कारपेंटर को बढ़ई को पकड़ने की जिसको इस बात में माहिर हासिल था कि कैसे वो मकान के भीतर इस तरह के कुछ छिपे हुए कमरे बनाए जिसमें आतंकवादी छिप सके, कहानी बीएसएफ के एक ऑफिसर की जो खींच रहा है रेड के दौरान क्योंकि आतंकवादियों का पता नहीं चल रहा, और एक मंजिल पर एक शीशा लगा है उसके सामने, वो कंघी से बाल खींचने लगता है और उसके बाद अचानक सब कुछ बदल जाता है, एक्शन शुरू हो जाता है। कहानी पुलवामा हमले से जुड़े पिछले ब्यौरों की और जांच की, और ये सब कहानियां मैं आपको कैसे बता पा रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आएंगी। कहानी इन जिहादियों की अय्याशियों की, कहानी इन जिहादियों की क्रूरताओं की, ये सब कहानियां मुझे पता चली हैं इस किताब के जरिए जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है। इस किताब का शीर्षक है, टाइटल है, द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, How the Pulwama case was cracked, और इस किताब को लिखा है राहुल पंडिता ने जो हमारे साथ हैं किताबवाला में। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। अगले एक डेढ़ घंटे तक हम राहुल पंडिता से इस किताब के बारे में, किताब में जो ब्यौरे दर्ज हैं उनके बारे में, जो तस्वीरें हैं जो पहली बार आप देखेंगे, तो मैं अगर मीडिया की चालू भाषा में कहूं तो एक्सक्लूसिव शब्द भी इस्तेमाल कर सकता हूं, इन सब के बारे में बात करेंगे। राहुल पंडिता, आपका किताबवाला में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सौरभ। कवर से ही शुरू करते हैं, कवर और टाइटल से। बहुत सारे लोगों को इस पे क्यूरियोसिटी भी हुई क्योंकि
मैंने जब ये किताब पढ़ी तो उसके बाद हम एक कार्यक्रम करते हैं पॉलिटिकल डिस्कशन का नेता नगरी, एक दफा आप भी उसमें आए हैं नेता नगरी में, तो जी नेता नगरी में रेकमेंडेशन सेक्शन में भी मैंने इस किताब का जिक्र किया, फिर हम हर बुधवार को बुक्स पे ट्विटर स्पेस करते हैं उसमें भी जिक्र किया, तो कई लोगों ने पूछा और भी मिलने वालों से मैंने कहा कि ये कैसा टाइटल है, द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर। और दूसरा सवाल लोगों के मन में ये आया कि किताब के कवर पर जो पुलवामा के हमले में आत्मघाती हमलावर बना था अली मेहमद डार, उसकी जगह उमर फारूक की तस्वीर क्यों छापी गई, आप इसी से हमें बताना शुरू करें फिर हम बात आगे बढ़ाएं। देखिए, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को होता है और उसके बाद केस तुरंत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चलता है जाता है और शिफ्ट ट्रांसफर होता है और उसके अधिकारी जो हैं, ऑफिसर जो हैं, इस केस की तफ्तीश करने में लग जाते हैं। केस बहुत ही मुश्किल है। घटना के 15 मिनट बाद सिर्फ एक क्लू जो है, एविडेंस जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ में लगता है। जो सुइसाइड बॉम्बर है आदिल अहमद डार, उसका आखिरी वीडियो जो जैश घटना के 15 मिनट के बाद रिलीज करती है। लेकिन आदिल अहमद डार इस खेल का छोटा सा सिपाही है, एक प्यादा है, एक पॉन है। इसके मास्टरमाइंड कई और है। अब ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसलिए जाता है क्योंकि विगत वर्षों में जितने भी बड़े टेररिस्ट अटैक हुए हैं, चाहे वो मुंबई टेरर अटैक हो, उसमें सबसे बड़ी शिकायत जो है, सबसे बड़ी कंप्लेंट जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को उठानी पड़ी इंटरनेशनल फोरम्स में, वो ये था कि साहब ये हुआ हमला, हम भी जानते हैं किन लोगों ने किया है, लेकिन जब ये डोसियर आप लेकर आते हैं, डोसियर हम हमेशा सुनते हैं कि ये डोसियर हमने पाकिस्तान को थामा है, या ये डोसियर हमने यूरोपियन यूनियन को दिया है, बाहर की इंटरनेशनल एजेंसीज को दिया है, ये देखने के लिए कि पाकिस्तान कैसे आतंकवादी गतिविधियां को चला रहा है, कैसे इस घटना के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन एविडेंस जो उस फाइल में होता है वो बहुत ही खराब स्थिति होती है, उसकी दयनीय स्थिति होती है, और इसलिए वो जो इंटरनेशनल स्क्रूटनी है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसको पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन हुआ। जब ये अधिकारी इसकी जांच करने लगे तो उनको ये बिल्कुल साफ हुआ कि इसके तार जो है पाकिस्तान से जुटे हैं, लेकिन उन्हें कई महीनों के बाद, हार्डवर्क के बाद ये पता चला कि ये मास्टरमाइंड जो इस पूरे घटना का है एक आदमी है, और उसी आदमी की, ये एक नौजवान है 24 साल का, और यही आदमी है जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है, ये जैश कमांडर है। और ये जैश कमांडर चूंकि बहुत ही वेल ट्रेन्ड है, अफगानिस्तान के बेस्ट ट्रेनिंग कैंप्स में इसको ट्रेनिंग हासिल हुई है, जो अलकायदा और जैश दोनों ज्वाइंट रूप से चलाते हैं, सांगीन कैंप, और ये बहुत ही रूथलेस है, ये मैनिपुलेटर है। इसका अंतिम गोल ये होता है कि जो इसको टारगेट दिया गया है कश्मीर में बर्बादी का, उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। और उस मैनिपुलेशन के एक एलिमेंट ये है कि वहां के भोले वाले जो नौजवान हैं उनको ये बरगलाता है, इसको चूंकि महारत हासिल है, ये स्पीच इसकी बड़ी जबरदस्त है, ये उर्दू बोल सकता है, पश्तो बोल सकता है, दारी बोल सकता है, एकदम प्रशिक्षण प्राप्त है, तो कई लोगों को ये मैनिपुलेट करके, जैसे आदिल को फॉर एग्जांपल, जो सुसाइड बॉम्बर है, उसको इस बात के लिए तैयार करता है कि वो अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। कश्मीरी आतंकवादियों में इस तरह आपने इस चीज़ बड़ा, हाँ, लिखा है कि फिदाइन हमला, तो तीन घटनाएं हैं जिसमें एक महिला तो बम से मारी जाती है, एक जो जम्मू कश्मीर सेक्रेटरी उसमें कोर कमांडर ऑफिस में, जी जी, बदामी बाग कैंटोनमेंट के बाहर एक 17 साल का लड़का जो मेडिकल स्टोर 2000 या 2001 में हुआ था शायद, और अप्रैल 2000 में, वो एकमात्र घटना है जिसमें कश्मीरी सुइसाइड बॉम्बर का हाथ पाया गया। लेकिन उसके इतने सालों के बाद ये आदिल अहमद डार को इतना ब्रेन वॉश किया गया कि वो अपनी जान देने को तैयार हो गया, और उसके साथ उसने 40 CRPF के जवान जो है उनकी उनकी जान भी ली। तो जब मैंने ये फोटो पहली बार देखी तो मुझे मालूम था कि ये मास्टरमाइंड है, ये मैनिपुलेटर है, इसने कई महिलाओं को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उनसे शरण ली है, उनके उनके घरों का उनका इस्तेमाल किया है।
और ये शीर्षक तभी मेरे जहन में आया और मुझे लगा कि यही फोटो, ये फोटो उसकी संगीन कैंप अफगानिस्तान में जब ट्रेनिंग कर रहा था 2016 में, तब की फोटो है। और मेरे एज एन ऑथर मुझे लगा कि ये सबसे उपयुक्त कवर रहेगा इस किताब के लिए। राहुल भाई, चैप्टर के हिसाब से चलते हैं क्योंकि उससे इस पूरे नैरेटिव का भी सिलसिला रहेगा। हम सबको पता है कि वो कितना लोमहर्षक था वो कांड जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए, लेकिन जब उन जवानों के नाम और वो जवान हैं उस मौके पर क्या कर रहे थे वो डिटेल सामने आते हैं, तो आप दोबारा से उस खौफनाक वक्त से गुजरते हैं कि कोई अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से बात कर रहा है, कोई ऐसे मोबाइल पे वीडियो बना रहा है कि बाहर की चीजें दिखा रहा है, फिर अपनी चीजें दिखा रहा है कोई और, 39 तो वो थे जो ड्राइवर समेत जो बैठे थे, एक वो जो दूसरे में बैठ गया तो बच गया, और एक जो रोड ओपनिंग पार्टी के ASI थे मोहनलाल। जब आप इस किताब को लिखने की तैयारी कर रहे थे तो क्या आप इन फैमिलीज से मिले, NIA की चार्जशीट, कैसे ये डिटेल्स आए इस तरह के? देखिए, ये घटना 14 फरवरी 2019 की है और उसके तुरंत बाद ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था कश्मीर में उसके 30 साल के आतंकवादी इतिहास में। और उस इस घटना ने पूरे देश का एक तरफ से खाका बदल दिया और एक बहुत बड़ा कारण बना नरेंद्र मोदी के 2019 के चुनाव में वापस आने के। तो एक वॉटरशेड मूवमेंट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो न सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि भारत के लिए भी रहा। और पहली बार हम भारत एक स्टेट के रूप में पहली बार ये स्ट्राइक को, इस वॉर को, अगर हम छोटे मोटे सर्जिकल स्ट्राइक्स को दरकिनार करें, लेकिन ये पहली बार एक यार्डस्टिक सेट किया जिसमें भारत ने ये कहा कि अगर इस तरह की घटना कोई पड़ोसी मुल्क हम पर करता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो खामियाजा उसने बालाकोट के रूप में भुगता। लेकिन आपने ठीक कहा कि जब आप सुनते हैं कि 40 CRPF के जवान मारे गए, शहीद हुए, तो वो एक स्टैटिस्टिक्स होते हैं आपके आपके पास। लेकिन एज ए रिपोर्टर जब धीरे धीरे आप उनकी कहानियों में जाना शुरू करते हैं, मैं एक कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टर के नाते 18-20 साल से कश्मीर से रिपोर्टिंग करता हूँ और कई सारे अधिकारियों को, कई सारे ऑफिसर से मिलना जुलना रहता है, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो या कश्मीर हो, तो जब भी आप इस किसी घटना के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहला आपका ध्यान जाता है कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं मारा गया, कोई ऐसा ऑफिसर, कोई ऐसा जवान तो नहीं मारा गया जिससे मैं मिला हूं, जो मेरा दोस्त है। और कई बार इस तरह के जो आपके नाइटमेयर्स होते हैं, जो आपका डर होता है, वो है सही निकलता है। मुझे याद है कि 2017 में मैं शोपियान में था, बिल्कुल इस इलाके के पास, एक पुलिस एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन कर रही थी जिसकी जिसकी लीडरशिप एक यंग पुलिस ऑफिसर अमन ठाकुर, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑफिसर थे वहाँ, उनके हाथ में थी। और मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद हमको परमिशन मिली उस सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन में जाने के लिए, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि ये सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन कैसा होता, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता था। और हम गए और वो करीब 1-1.5 घंटा ऑपरेशन चला। उसके कुछ महीनों के बाद एक दिन मैं घर पे बैठा हुआ था और मुझे पता चला कि अमन ठाकुर नहीं रहे, वो शहीद हुए एक एनकाउंटर में, जैश के साथ एक एनकाउंटर था, उसमें उन्हें गोली लगी और उस गोली का शिकार हुए, नहीं रहे। तो सबसे पहला आपका ये सेंटिमेंट होता है कि ये देखने के लिए कि उसमें से कोई ऐसा आदमी तो नहीं जिसको आप जानते हैं, और फिर इसमें नहीं भी जानते हैं पर धीरे धीरे आप उनको, उनकी फैमिलीज के बारे में आपको पता चलता है, उनकी पर्सनालिटीज के बारे में आपको पता चलता है, फिर आपको ये महसूस होता है कि ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये जीवित लोग थे जिनकी फैमिली थे, जिनके सपने थे, जिनके अपने डर थे, जिनके अपनी आकांक्षाएं थी, जिनकी अपनी फैमिलीज थी, और ये नहीं रहे। और ऐसे विभत्स तरीके से वो मारे गए कि बहुत दिन लग गए कि किसी तरह से जो बॉडी पार्ट्स चारों तरफ बिखरे पड़े थे उनको जुटाने में, किसी तरह एक डिग्निटी उनको एकॉर्ड करने में, ताकि जब वो कॉफिन वापस जाए और गांव में जाए, देश के तमाम इलाकों में जाए, बिहार में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, पंजाब में जाए, तो कम से कम एक एक रेस्पेक्ट, एक डिग्निटी के साथ जाए। इसके लिए CRPF पुलिस को काफी मशक्कत करनी लगी और करनी पड़ी। उसके बाद ही आपको पता चला कि ये
घटना कितनी बड़ी थी और इसके पीछे कितने बड़े तार जुटे हुए थे, जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच उसके बाद शुरू हो जाती है। जी, इस किताब में एक किरदार आता है, आईपीएस ऑफिसर हैं, मूलतः जम्मू के रहने वाले हैं, मणिपुर कार्डर के, और अभी एनआईए में है, जेएनके रीजन के हेड हैं, राकेश बलवाल, राइट, बलवाल ही बोलेंगे जी। राकेश बलवाल ने जिस तरीके से जांच की वो बहुत कमेंडेबल है, और चूंकि वो इतनी मुस्तैदी से जांच कर रहे थे तो किस्मत ने भी उनका खूब साथ दिया। आपकी राकेश बलवाल से बात हुई किताब को लिखने के दौरान? देखिए, राकेश एक ओल्ड स्कूल ऑफिसर हैं और उनको एनआईए में इसलिए लिया गया क्योंकि एक तो वो जम्मू के मूल रूप से निवासी हैं, फैमिलियर हैं, जम्मू कश्मीर ठीक से जानते हैं, और दूसरा एज अ पुलिस ऑफिसर जो एसपी थे मणिपुर में, क्योंकि वो भी इंसर्जेंसी प्रोन एरिया है, वहाँ इंसर्जेंसी से डील करने में उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा था, काफी काबिले तारीफ था, और उस वक्त के जो एनआईए बॉसेस थे उनको, ऑफिसर्स थे जो उनके सीनियर ऑफिसर्स थे, उनको इसके बारे में पूरी तरह से वाकिफ थे उनके काम से। तो जब उनके केसेस बढ़ने लगे जम्मू कश्मीर में, जब उनके केसेस की संख्या बढ़ने लगी, तो उनको लगा कि एक ऑफिस उन्हें जम्मू कश्मीर में भी खोलना चाहिए जो लोकली दिल्ली से नहीं या कहीं और रांची से नहीं बल्कि कश्मीर से ही इन सब चीजों को देखें। तो उसके लिए राकेश का उस वक्त सिलेक्शन हुआ। लेकिन राकेश जो है काफी ओल्ड स्कूल हैं, वो जैसे मैंने किताब में भी लिखा कि वो बहुत नॉन अप्रोचेबल हैं, वो पत्रकारों से बात नहीं करते, जम्मू में भी उनकी रेपुटेशन ये है कि वो अपने काम से मतलब रखते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, अपना काम डिलीजेंस से करते हैं, लेकिन वो ऐसे ऑफिसर नहीं है जो थोड़े बहुत कुछ शेयर करें। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इस केस में उनकी तरफ से ऑफिशियल वर्जन है उसके अलावा कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन उनके जो सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनके साथी जो हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में यहाँ दिल्ली हेडक्वार्टर्स में काम करते हैं, उन्होंने उसमें मदद की, और उसमें ये बिल्कुल साफ था कि हालांकि हर इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन है ये एक टीम एफर्ट होती है, इसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके राकेश के जूनियर भी इन्वॉल्व थे, राकेश के सीनियर भी इन्वॉल्व थे, हर स्टेप पे वो जो डीजी एनआईए हैं या उनके दूसरे सुपीरियर हैं उनसे परामर्श लेते थे। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, जब मैंने स्टोरी को खंगालना शुरू किया तो मैंने ये पाया कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अगर एक महानायक हैं तो वो राकेश हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डिलीजेंस हार्डवर्क से ऐसे ऐसी चीजों को इन्वेस्टिगेट किया, और जैसे हम सुनते हैं कि लक भी उन्हीं को साथ देता है जो हार्डवर्क करते हैं, और उसके सबसे बड़े उदाहरण इस घटना में राकेश बलवल का केस है कि वो कैसे अपने इन्वेस्टिगेशन का जाल वाइडन करते हैं और छोटी छोटी घटनाओं को जो कुछ बाकी ऑफिसर्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनसे कई चीजें छूट जाती हैं, लेकिन वो उन छोटी छोटी चीजों को पर गौर करते हैं, और उन्हीं छोटी छोटी चीजों पर जब वो गौर करते हैं तो उसी से ये इन्वेस्टिगेशन फाइनली क्रैक होती है। राकेश बलवल की हम बात कर रहे थे, इसमें आपने जो एक चीज लिखी है जो कई लोगों ने नोटिस भी की थी, जिसने पजल भी किया सिक्योरिटी एजेंसीज को, कि सुसाइड बॉम्बिंग के बाद, पुलवामा अटैक के बाद जो वीडियो रिलीज किया था जैश ए मोहम्मद ने, आदिल अहमद डार उर्फ वकास कमांडो का, उसमें आवाज मैच नहीं हो रही थी, लिप सिंकिंग का इशू था, लग रहा था कि बोल कोई और रहा है और वीडियो इसका है, और बाद में जिसका जिक्र आगे भी आएगा, जब फाइनली वो फोन रिकवर होता है और पता चलता है कि 13-14 रिहर्सल वीडियो बने थे, और उसी बैकग्राउंड से ये भी एस्टैब्लिश होता है कि ये इंशा जहां के घर पे शूट हुए थे। पर शुरुआत में इन लोगों की थ्योरी क्या थी, क्योंकि उस लिप सिंक के बेस पे एक थ्योरी और भी बनाई जा रही थी जिसको बाद में ऑफकोर्स डिस्कार्ड किया गया। देखिए, जब ये सुसाइड अटैक हुआ और उसमें ये बात साफ हुई कम से कम जैज की तरफ से कि ये सुसाइड बॉम्बिंग करने वाला शख्स जो है, नौजवान जो है, एक कश्मीरी नवयुवक है, नौजवान है, तो सबसे पहले वहां की कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इस बात पे थोड़ा शक हुआ,
और ये शक उनका इस बात से भी पुख्ता हुआ क्योंकि जब उन्होंने इस वीडियो की छानबीन शुरू की तो उसमें ये पाया, जैसे आपने कहा कि उसमें शक्ल और जो लिप का मूवमेंट है वो है आदिल अहमद डार का, लेकिन उसके पीछे जो आवाज आ रही है वो कहीं ना कहीं सिंक नहीं हो रही। तो उनको इस बात का घुमा हुआ, इस बात का शक हुआ कि हो ना हो ये घटना जो है किसी और पाकिस्तानी आतंकवादी ने अंजाम दी है, जो इस जिसके लिए सुसाइड बॉम्बिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि कश्मीरी यूजली ऐसे केसेस आए नहीं है एक आध को छोड़ के, जैसे हमने पहले इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में कहा। तो उनको लगा कि हो सकता है कि ये वीडियो किसी और घटना के लिए शूट हुआ हो, आदिल से शूट करवाया हो और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को थ्रो ऑफ करने के लिए इन्वेस्टिगेशन से, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाने के लिए कि ये तथाकथित मूवमेंट जो है, इंसर्जेंसी मूवमेंट जो है, इसको कश्मीरी चला रहे हैं ना कि पाकिस्तानी, तो आदिल अहमद डार का नाम सामने किया। लेकिन ये आदिल अहमद डार ही था, ये तब चीज पुख्ता होती है क्योंकि 2-3 दिन तक, 4 दिन तक फॉरेंसिक्स उस पूरे एरिया को खंगालती है, तो कहीं ना कहीं से यू नो कोई स्किन का पार्ट, कोई हाथ, बहुत ही बहुत ही बहुत ही भयानक दृश्य है। और भयानक दृश्य इतना ऐसे कि सीजन ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर या सीआरपीएफ के ऑफिसर, जब उस मंजर को देखते हैं तो उनसे भी वो हौसला जो है, उनकी रोलाई फूट पड़ती है, जैसे मैंने किताब में लिखा, वो देख नहीं पाते और ये सबके लिए बहुत ही मुश्किल है। उसी वक्त ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स भी आते हैं, उससे फिर पता चलता है कि ये गाड़ी कौन सी, ये गाड़ी का मेक पता चलता है, लेकिन अभी भी ये पता नहीं है कि ये वाकई आदिल अहमद डार ने किया है या नहीं। वो बाद में जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को राकेश की लीडरशिप में, लोकल लीडरशिप में, जो एक दिन के बाद पहुंच जाते हैं वहां, तब आप उनको लगता है कि ये ये जो आप सर्च कर रहे हैं एरिया, इसका दायरा थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। वो जब वो दायरा बढ़ता है और जब वो हड्डी का टुकड़ा मिलता है, उसी से फिर ये इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये सुसाइड बॉम्बर वाकई, जब उसका डीएनए मैच उनके उसके पिता से होता है, तो सबसे पहली बात ये पुख्ता हो जाती है कि ये सुसाइड बॉम्बर कश्मीरी ही था और ये सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार ही था। यहां से फिर इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे आपने किताब पढ़ी है, आपने देखा, आपने पाया होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन फिर डेड एंड एक स्ट्राइक करती है, क्योंकि एक दो कड़ियां उसकी मिलती है, दो जिग्सॉ पजल जो है उसके मिलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर गाड़ी रुक जाती है। ये फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों की ड्यू डिलिजेंस है, हार्ड वर्क है, जिससे ये गाड़ी फिर आगे बढ़ती है। हाजीबल में जो सर्च हुई उसके बारे में आपने लिखा है, ये कितना अनकॉमन या कॉमन है कि इस तरह से जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, जहां पे सुरक्षा बलों को भी बहुत चाक चौबंद होकर जाना पड़ता है, मतलब व्हाट प्रॉम्प्टेड देम टू एक्सपेंड द सर्च, कि अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर से खोजते हैं और दायरा बढ़ा के खोजते हैं और खोजते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो उसके आसपास तो उन्होंने देख ही लिया, फॉरेंसिक टीमों ने देख लिया, वो जो टावर लगा हुआ था वहां पे भी टॉर्सोस थे, सब थे, बॉडी थे, लेकिन इतनी दूर तक सर्च को एक्सपेंड करना और वो रिस्क लेना है, कोई उसके लिए कुछ क्लू था या चूंकि कुछ मिल नहीं पा रहा था, डेड एंड था, इसलिए था कि बार बार बेसिक पे जाओ। देखिए, ये इलाके जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह से कई महीनों तक आप समझिए कि एक तरह से लिबरेटेड जोन बन गए थे 2016 में, ये हाजीबल वगैरह जो इलाके, जी जी जी, ये पुलवामा साउथ कश्मीर का पूरा इलाका ऐसा है कि जहां पर पुलिस भी काफी हद तक जाती नहीं थी। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, जुलाई 2016 में, जब हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की मौत हो जाती है एक एनकाउंटर में, उसके बाद कश्मीर की स्थिति में अचानक परिवर्तन हो जाता है और साउथ कश्मीर में काफी सारी गतिविधियां बढ़ने लगती हैं और कश्मीर बहुत ही अनरेस्ट हो जाता है। उस अनरेस्ट में ये दिक्कत होती है कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वहां कोलैप्स हो जाती है साउथ कश्मीर में, क्योंकि साउथ कश्मीर में जो भी गेन्स थे, जो पुलिस और सुरक्षा बलों ने, आर्मी ने, सीआरपीएफ ने इतने सालों में अर्जित किए, वो 2015 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार आती है, पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, और उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद जो ढिलाई बरतते हैं, जी, उस ढिलाई से वहाँ जो मिलिटेंट्स हैं, उनके ओवरग्राउंड नेटवर्क हैं, स्लीपर सेल हैं, उनका मोराल बहुत बढ़ता है, उनका मनोबल बहुत बढ़ता है, उनको लगता है कि अब हमारी सरकार आ गई है और हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं,
और उसी उसी फेज में कई सारे जो ओवरग्राउंड वर्कर है जिनको काफी मेहनत से पुलिस ने ट्रेस किया है, उनको गिरफ्तार किया है, उनको छोड़ दिया जाता है। स्टोन पेल्टर्स, जो क्रॉनिक स्टोन पेल्टर्स हैं जिनका कोई भी रिफॉर्म संभव नहीं है ऐसा पुलिस को लगता है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो इससे जो वहां का ओवरऑल सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट का जो मनोबल है वो काफी बढ़ जाता है। और उसका एक फिनाले आता है बुरहान वानी के डेथ के बाद, जब वो इलाका पूरा एक तरह से देखें तो हाथ से छूट जाता है, कोई पुलिस वाला अंदर जा नहीं सकता एफआईआर लॉन्च करने के लिए भी, सब कुछ फोन पे होता है। कई सारे पुलिस की फैमिलीज हैं जो वहां रहते हैं, उनको इतना डर लगता है कि वो एक एक दो दो साल तक अपने घर नहीं जा पाते वापस। तो इस तरह की स्थिति हो, ये वही जगहें हैं, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, कई बार आपने देखा भी होगा खबरों में कि कई बार जब बहुत ज्यादा फोर्स के साथ जब आर्मी सीआरपीएफ और पुलिस की ज्वाइंट टीम्स यहाँ अंदर जाती भी हैं, कई बार जब आपके पास एक पुख्ता खबर होती है कि फला मकान में या फलाना ठिकाने पर कुछ मिलिटेंट्स की आतंकवादियों की मौजूदगी का उनको पता होता है, तो कई बार 2019 से पहले ये होता था कि व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो मैसेजेस भेजे जाते थे आसपास के गांव में मोबिलाइज करने के लिए गांव वालों को, चूंकि यहाँ सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट है, मिलिटेंट सिंपथी पॉकेट्स बहुत ज्यादा हैं, और वो कई बार आके इन ऑपरेशंस को डिसरप्ट भी करते थे और आर्मी कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि डिसरप्शन का मतलब ये भी होता है कि आपको गोली मारनी पड़ेगी, फायर करना पड़ेगा, जिससे जान और माल का नुकसान हो सकता है। कहने को तो वो सिविलियन है लेकिन वो सिविलियन नहीं है, जो एक ऐसे एनकाउंटर साइट पे हेविली आर्म्ड पाकिस्तानी मिलिटेंट्स या कश्मीरी टेररिस्ट की मदद करने के लिए आ सकता है, उसे हम सिविलियन तो नहीं कह सकते, वो एक कॉम्बैटेंट ही है। तो कई बार ऐसे मामलों में हुआ है कि मिलिटेंट्स आतंकवादी जो छुपे थे वो सिविलियन पॉपुलेशन की मदद से, चूंकि सिंपथी का बहुत ज्यादा है इस इलाके में, वो छूट गए। तो हम ऐसे इलाके की बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाया कि जब इस इलाके में जो भी सबूत उनको मिले वो मिले, लेकिन राकेश को ये भी लगा जो उन्होंने अपने सीनियर से शेयर किया कि मुझे इस इन्वेस्टिगेशन का ये सर्च का दायरा मुझे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोजन काफी तीव्र है, इतना तीव्र है जैसे मैंने लिखा कि वो जब मिलिट्री इंटेलिजेंस की पहली टीम रेस्पॉन्स टीम कुछ ही मिनटों के बाद 3:15 बजे ब्लास्ट होता है 14 फरवरी 2019 को, जब वो आते हैं तो सड़क के डबल रोड है, उस तरफ एक दीवार है जिसमें पेप्सी और ये सब इश्तेहार हैं, उसके पीछे कम्युनिकेशन टावर है, वहां चार बॉडीज उनको उस कम्युनिकेशन टावर पे मिलती है। तो इस तरह का बेभत्स दृश्य उनको लगा कि राकेश को कि हो सकता है कि ये जो सर्च का दायरा है 100 मीटर 50 मीटर 150 मीटर इसके इससे इस नेट से कहीं दूर निकल गया हो, और उनका जो ये डाउट है वो पुख्ता तभी हो जाता जब वो एक सर्च पार्टी लीड करते हैं। हालांकि कश्मीर पुलिस उन्हें इस बात से सावधान करती है कि उस इलाके में नहीं जाना चाहिए, हाजिब अली वो इलाका है जहां पर बहुत ही ज्यादा सिंपति है, जहलम के किनारे वाला एरिया है, लेकिन वो सीआरपीएफ और पुलिस की मदद से काफी सारे लोगों को 300-400 लोगों को ले जाके एक सिंगल लाइन सर्च करते हैं, और वो वहां से देख रहे हैं कि दरिया के उस किनारे से लोगों का मोबिलाइजेशन बढ़ रहा है और पुलिस थोड़ा नर्वस हो रही है कि इस इलाके से हमें निकलना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, लेकिन वो थोड़ी देर वहां रुकते हैं और उसी रुकने का परिणाम है, उसी रुकने का फल उन्हें मिलता है कि जब वो गाड़ी की चाबी और ये जो इसका डीएनए सैंपल है आदिल का वो उन्हें मिलता है, जिससे सबसे पहला वहीं से क्रैक धीरे धीरे होना शुरू होता है कि ये आदमी जो है सुसाइड बॉम्बर जो वाकई आदिल अहमद डार था, क्योंकि वो डीएनए का सैंपल जो है वो उसके बाप गुलाम हसन डार से मिलता है और चाबी 1026। और मारुति वालों ने भी तत्परता दिखाई कि इन्होंने तो 46 नंबर वगैरह बदल दिया था, लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के तमाम बैचेस के नंबर निकाल निकाल के ट्रेस कर लिया कि ये कार कौन सी थी और कहां भेजी गई, जिससे फिर आगे हम सज्जाद भट्ट और उन सब लोगों तक पहुंचते हैं जी। इन सब के बीच में मैंने ये देखा है, इनफैक्ट जब आखिरी में आप क्लाइमेक्स पर पहुंचते हैं और जब शाकिर बशीर का राकेश इंटरोगेशन कर रहे होते हैं, गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे होते हैं, तब भी वो किस तरह से रेडिकल है, बात बात पे कुरान शरीफ कोट करता है, तब राकेश उसको काउंटर करने के लिए कुरान शरीफ कोट करते हैं, और इन लोगों के दिमाग में किस तरह से जहर भरा जाता है कि जैसे हिंदुस्तान का जो हर मुसलमान है उसको नागरिक का हक ही नहीं मिला हुआ है। आपने एक
उस आतंकवादी का जिक्र किया जो बाहर से आता है, और जैसे ही वो बंगाल में दाखिल होता है कोलकाता वगैरह, वो देखता रहे यार यहाँ तो जैसे हिंदू रह रहे हैं वैसे मुसलमान रह रहे हैं, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, आराम से टहल रहे हैं, मंदिर भी हैं मस्जिद भी हैं सब चीजें हैं। और फिर वो जाके वेश्यागिरी कर रहा होता है पहाड़गंज में जब पकड़ा जाता है। तो ये आई एम श्योर, चूंकि आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको कई इस तरह के मामले मिले होंगे, कुछ का आपने इसमें जिक्र किया कि ये जो बाहर से आते हैं कि साहब इनको जिहाद करने जाना है, इनके दिमाग में क्या क्या भर दिया जाता है? देखिए, एक शब्द में कहें तो जहर। ये मोस्टली ये पाया गया है कि ये गरीब घरों के, पाकिस्तान के गरीब घरों के लड़के होते हैं, जैसे अजमल कसाब जैसे लोग होते हैं, जिनके माँ बाप के पास इतना भी आय का स्रोत नहीं होता कि उनको पढ़ा लिखा सके या कुछ उनके परवरिश कर सके, वो इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जहालत भी बहुत है, वो प्रेफर करते हैं कि वो मदरसे में चले जाए, किसी तरह की तरबियत जो है ट्रेनिंग उनको प्राप्त हो, कुछ कुरान ही सीख लेगा, हो सकता है कुछ मौलवी बन जाए इस तरह की। लेकिन ये मदरसे जैसे हमने पाया है कि ऐसे हजारों मदरसे पाकिस्तान में हैं जहां पर अल्टीमेटली उनको जहाद की राह में झोंक दिया जाता है, और जब जहाद की राह में इन्हें झोंक दिया जाता है तब इन्हें कहा जाता है बचपन से ही, जब ये बहुत छोटे होते हैं 8 साल के 10 साल के, उनसे कहा जाता है कि आपको हिंदुस्तान जाना है जहाँ हिंदू रहते हैं, और वहां आपको जहाद करने जाना है। जहाद करने इसलिए जाना है क्योंकि वहां पर जो हिंदुस्तानी सरकार है, जैसे आदिल अहमद डार भी अपने वीडियो में कहता है कि ये गौमूत्र पीने वाले जो लोग हैं इन्हें कुछ पता नहीं है और इनको हम मजा चखाएंगे, और ये जो है वहाँ कश्मीर घाटी में जो मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं, उनको उन पर काफी जुल्म हो रहे हैं और इसलिए हमको कश्मीर जाना है उनको बचाने के लिए। तो ये मिड 2000s में, जैश 2000 में बनती है, लेकिन मिड 2000s में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है जब जिहादी आने लगते हैं और वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते हैं। वहाँ एक कश्मीरी सिंपथाइजर उनको किसी तरह अपनी गाड़ी में बिठा के श्रीनगर या कहीं भी दूसरी जगह पर ले आता है, जहां पर उसका ये टारगेट होता है कि वो किसी बिल्डिंग में घुसे और उस बिल्डिंग को होल्ड ऑन करे फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। वो तो उसे हम फिदाइन हमले के नाम से जानते हैं कि किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला कर दिया या किसी पुलिस पिकेट पे हमला कर दिया और उसके बाद होटल में जाके छिप छिप गए। जितनी देर आप वहां शरण ले सकते हैं, जितनी देर आप उसको लंबा कर सकते हैं, क्योंकि ये 24/7 टीवी का भी टाइम है और फुल कवरेज मिल रही है आपको, और पूरे टीवी हिंदुस्तान के तमाम टीवी चैनल पे आपका कवर हो रहा है और लोग देख रहे हैं कि कैसे एक या दो या तीन लोगों ने पूरे भारत सरकार की जो तमाम फौज है और अर्धसैनिक बल है उनको दो दो तीन तीन दिन के लिए लटका के रखा है, तो उससे एक मोराल वहां भी जो बाकी बच्चे हैं उन मोराल बूस्ट होता है। लेकिन ये लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये कश्मीर आते हैं और फिर ये देखते हैं कि यहाँ पर तो कश्मीर चूंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और वहाँ हर मील में हर किलोमीटर में दर्जनों मस्जिदें हैं और हर जगह आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लाउड स्पीकर्स पे अजान चल रही है, सरमन चल रहे हैं मौलवी साहब के, तो वो जब वो देखता है वो पाता है कि ये तो बिल्कुल मुझे कुछ और ही कहा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और उसको जाना पड़ता है और उसको हमला करना पड़ता है और उसके बाद वो यहाँ भी नुकसान करता है लेकिन वो उसके बाद मर जाता है। तो इसी तरह की तरबियत से लोग आते गए, लेकिन इसमें इस तरह के लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ये जो मास्टर माइंड है इसका, जो मसूद अजहर की फैमिली से बिलोंग करता है, इन्हें जी इन्हें हकीकत तो मालूम है लेकिन ये मास्टर मैनिपुलेटर चूंकि है, इनका काम ही यही होता है कि जो दूसरे लोग हैं उनको बरगलाए, उनकी भावनाओं को इतना वो ऊंचा करे, गरमाए कि वो अपनी जान देने तक तैयार हो जाए, जैसे आदिल अहमद डार ने किया। जी, हम लोग चूंकि ये किताब पुलवामा अटैक और उसके आफ्टरमैथ के बारे में है तो वापस उस ट्रैक पर लौटते हैं। फिलहाल सज्जाद भट्ट तक पहुंच जाती है चीज, क्योंकि कार की नंबर पता चल गया है अंदर से उसके प्रोडक्शन का, और वहां से वो किसको बिकी तो एक को पकड़ा, उसने कहा साहब हमने उसको बेच दी। और सज्जाद भट्ट अपने घर से गायब है और कुछ दिनों में वो रिसर्फेस होता है जब जांच चली रही है, और अब उसका नया कोड नेम है अफजल गुरु। ये जैसे हमने कहा कि आदिल अहमद डार का नाम वकास कमांडो, सज्जाद भट्ट का नाम दे दिया गया अफजल गुरु, ये नॉमिक लेचर के पहले क्या के पीछे का क्या रहता है इनका
तरीका या मनोविज्ञान? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि उन्हें अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए एक एक बहुत ही अजीब सी पदवी उन्हें दी जाती है, जैसे वकास कमांडो है। तो जब वो सुनता है कि मेरे सुपीरियर ने, जो लीडर है मेरे, या उनसे कहा जाता है कि पीर साहब जो है पाकिस्तान से, उन्होंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है, तो एक तरह से तुम्हारा, जैसे हम यहाँ कहें कि एक, ये तुम्हें गुरु मंत्र दिया जाता है, ये आज से तुम्हारा नाम, तुम्हारा नामकरण ये है, आज से तुम्हारा नाम वकास कमांडो। कमांडो, उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ी चीज बन गया हूँ। दूसरा, उससे ये भी होता है कि जब आमतौर पर जब एक दूसरे से आप बात करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, कई बार उस चैटर को पुलिस इंटरसेप्ट भी करती है कहीं कहीं से, तो उसका रियल नेम जो है वो सुरक्षा बलों के हाथ नहीं आता, लेकिन स्पेशल नेम जो है, जो बिल्कुल पर्टिकुलरली दिए जाते हैं, जैसे अफजल गुरु के नाम से, वो पाकिस्तान में जो जैश लीडरशिप है जो, या ISI जो है, वो इस बात का भी संकेत होता है कि कश्मीरियों को इस बात का संकेत होता है कि हम अफजल गुरु की सो कॉल्ड शहादत को जाया नहीं होने देंगे, और अफजल गुरु अब हमारे लिए हीरो है। जैसे इंडियन मेनलैंड में कोई अपने बेटे को महाराणा प्रताप के नाम से बुलाएगा या अभिमन्यु के नाम से बुलाएगा, तो हम अपने जो नए रंग रूट हैं या हम जो अपने नए स्क्वाड बनाते हैं, उनको हम अफजल गुरु स्क्वाड कहते हैं। हम उनको, जो हमारा सबसे बढ़िया कमांडो है, जब बढ़िया सिपाही है, उसको हम अफजल गुरु का कोड वर्ड बख्शते हैं। तो ये उसकी मेमोरी को जिंदा रखने के लिए कश्मीरियों में ये छोटी छोटी मैनिपुलेशन जो है, वो पाकिस्तानी लीडरशिप जो जैश का है या ऐसे, उनकी तरफ से ये होता है। अच्छा, एक ओवरग्राउंड वर्कर है जैश का, मुदस्सिर खान, जो बाद में मारा भी जाता है। मुदस्सिर खान एक व्हाट्सएप स्टेटस पे वो पता करने की कोशिश कर रहा है किसने किया, और फिर जिलेटिन स्टिक की फोटो। इन आतंकवादियों के बीच कुछ ऐसा भी प्रोटोकॉल रहता है इस चीज को लेकर? जैसे एक तो आपने कहा नाम दिया जाता है, दूसरा इंटरनेट पर कितना एक्टिव रहना है, कितना संपर्क करना है, क्योंकि हमने बाद के केसेस में भी देखा जब वो पूरी जांच चलती है कि RDX कहाँ से आया, क्या हुआ, कि किस तरह से VPN का इस्तेमाल हो रहा है, चंडीगढ़ में पढ़ रहे एक स्टूडेंट की मदद ली जा रही है कश्मीरी, इस तरह की चीजें। क्योंकि मेरे ख्याल से वो भी इनके लिए एक आगे चल के बड़ा ब्रेक थ्रू रहा होगा जब मुदस्सिर खान ने वो जिलेटिन स्टिक की फोटो भेजी। तो ये देखिए, जब भी हम काउंटर इंसर्जेंसी की बात करते हैं, अभी मुझे जो पूरा जो हमारा काउंटर इंसर्जेंसी का ब्लूप्रिंट है कश्मीर में, उस बात से मुझे, मैं मुख्तलिफ हूँ, और उस बात से मुझे थोड़ा सा ऑपोजिशन ये है कि किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड का फाइनल रिजल्ट जो, परिणाम, इस बात से तय नहीं होना चाहिए कि हमने पिछले 6 महीने या 3 महीने या 1 साल में जैश या हिजबुल मुजाहिदीन या लश्करे तोयबा के कितने आतंकवादियों को मार गिराया। ये बात हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनते हैं, ऐसे एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी सुनते हैं, आर्मी करती है या पुलिस करते हैं, कि मार्च से सितंबर तक हमने 60 आतंकवादियों को मारा है, जिसमें 5 कमांडर थे, 4 पाकिस्तानी थे। ऐसे कमांडरों को, और जो भी स्टेट के खिलाफ हथियार उठाता है और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करता है, उनको मारना जरूरी है, लेकिन ये काउंटर इंसर्जेंसी ग्रेड का फाइनल गोल नहीं हो सकता। मेरे लिए ये जानना जरूरी है, और कि मुदस्सिर जैसा आदमी, मिसाल के तौर पर, जैसे उसके पिता कहते हैं कि वो, उसको यूनिफॉर्म का बहुत शौक था, वो पुलिस में भर्ती होना चाहता था, वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था, वो क्रिकेट भी बहुत अच्छे से खेलता था। तो ऐसा क्या हुआ कि वो अल्टीमेटली उसने सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की वर्दी नहीं पहनी, एक जैश के जो टेररिस्ट है, जो स्टेट के खिलाफ लड़ाई उठाता है, और उसके जहन में इस बात का भी उसको अंदाजा है कि वो ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। जब वो उस ऑर्चर्ड में सेब के बाग अपने में बाप से अपने आके मिलता है। बाप से जाके, पिता से जाके मिलता है, उसको मालूम है कि उसके दिन गिने चुने हैं, और ये मोस्टली सारे आतंकवादियों को वहां मालूम रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो काउंटर इंसर्जेंसी का ये जो स्ट्रेटेजी है, ये भी हिंदुस्तान, भारत को कहीं ना कहीं बदलनी होगी, ताकि मुदस्सिर जैसे नौजवान, इससे पहले कि वो लश्कर या जैश को ज्वाइन करें, और ऐसे आदमी जिनको यूनिफॉर्म का ग्लैमर है,
और कम से कम उन तक उनको टारगेट किया जाए ताकि वो इस डेंजर इस डार्क वेब में पढ़ने से पहले ही उनको एक स्टेट का जो हस्तक्षेप हो वो हो और उनको सही दिशा में ले आते उनको तो सही दिशा मिले और इन लोगों को बरगलाने वाले जितने ये जमात के लोग हैं ये जो वहां तकरीरें करने वाले मौलाना हैं जो बार बार आजादी और इन सब चीजें उन पे शिकंजा कसा जाए, हुर्रियत के लोग हैं सब लोग। अब ये मदरसे हैं जैसे सिराजुल उलूम हैं और इस तरह के मदरसे हैं जहाँ पर कई सारे लोगों पे कई सारे टीचर्स पे पुलिस ने पीएसए भी लगाई है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत भी उनको गिरफ्तार किया है। तो ऐसे फाउंटेन हेड्स हैं जहाँ से इस तरह के लोगों को तैयार किया जाता है। जब तक उसके सोर्स पे स्रोत पे इंडियन स्टेट वार नहीं करती तब तक ये काउंटर इंसर्जेंसी की फुल फ्लेज्ड विक्ट्री नहीं समझी जानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो वरना रिप्लेस होते रहेंगे। बिल्कुल रिप्लेस होते रहेंगे, एक्सपेंडेबल रहोगे आपके स्टेट के तौर पे आपके लिए बढ़ता रहेगा काम जी। और ये एक फर्टाइल ग्राउंड है, साउथ कश्मीर आज की तारीख में एक फर्टाइल ग्राउंड के रूप में उभर रहा है। और इसमें कजिन है, फिर उसका मौसेरा भाई, फिर उसका चचेरा भाई, फिर उसका चाचा, फिर उसका ताया, तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स वेब्स चलती रहती हैं। और जैश का चूंकि नेटवर्क है और तरह तरह के स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं और तरह तरह के लोग मस्जिदों में कुछ सुन रहे हैं, मदरसों में कुछ सुन रहे हैं, सबके पास मोबाइल हैं, दाबीक आइसिस का लिटरेचर उनके पास आता है, तरह तरह की चीजें हैं जिनसे उनका ब्रेन वॉश संभव है। छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों से कई तरह की चीजें सुनते हैं। जब तक इस चीज पर क्रैक डाउन नहीं होता तब तक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रहेगी कि मुदस्सर और सज्जाद और आदिल और शाकिर और वैजुल इस्लाम जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और इतने इनमें से कुछ ब्राइट बच्चे हैं, ब्राइट नौजवान हैं जिनका मुस्तकबिल, जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता था, लेकिन वो इस अंधेरे में जाकर वो अपनी जान गंवाते हैं, अपने पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं और कई उस प्रोसेस में कई सारे बेगुनाह लोगों की, कई सारे जवानों की जान भी ले जाते हैं। इन सब के बीच जब ये जांच चल रही थी और ये पता चला कि कार किसकी है, उन सब के बीच आती है 26 फरवरी की सुबह जब मिराज 2000 जाते हैं और बालाकोट में जो जैश का ट्रेनिंग सेंटर था उसको तबाह करके आते हैं। आपने उस प्रोसेस को भी लिखा कि कैसे रॉ का एक एजेंट जाता है मोबाइल ऑन करके और वहां की रेकी करके आता है। मुझे इसमें एक दिलचस्प चीज ये लगी कि किस तरह से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान को चकमा दिया कि गूगल पर कुछ और सर्च कर रहे थे, वो थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि बालाकोट क्यों लॉक किया गया और उसका सिंबॉलिक महत्व भी था। देखिए मैं ज्यादा जैसे कहते हैं गिव अवे नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है किताब का, लेकिन पुलवामा के बाद ही जैसे ही पुलवामा की घटना होती है उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री ये तय कर लेते हैं कि इसका रिवेंज होना चाहिए, इसका रिटेलिएशन होना चाहिए। तो कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, गृह मंत्री हैं और रॉ के अधिकारी हैं, जो भी यहाँ के पूरा जो सिक्योरिटी आला टॉप ब्रास है सिक्योरिटी ग्रेड का, वो इस मीटिंग में एक तरह से शामिल होता है और इस बात की चर्चा की जाती है कि हमें किस तरह का टारगेट करना चाहिए। तो तरह तरह के टारगेटों पर चर्चा होती है, एक चर्चा दाऊद इब्राहिम की भी आती है क्योंकि दाऊद इब्राहिम खुफिया एजेंसी को मालूम है कि काफी सालों से कराची में छुपा हुआ है, क्यों ना उस पर टारगेट किया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। इस तरह की प्रपोजल भी प्रधानमंत्री को उस वक्त मिलते हैं। कई लोग इस बात को ये करते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसी तरह की एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री इन सब विकल्पों को नकारते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये विकल्प जो है नाकाफी होंगे, इनका रिस्पॉन्स जो है ये बड़ा नी जर्क रिस्पॉन्स होगा। इस बार हमको एक, जैसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं क्रॉसिंग द रूबिकॉन, तो हमें एक ऐसी चीज करनी है जो पहले कभी ना हुई हो इतिहास में, भारत और पाकिस्तान के इतिहास में इस तरह का रिटेलिएशन हमको करना। तो उसके अंतर्गत जो है रॉ को कहा जाता है कि पाकिस्तान में चूंकि उनके एसेट्स वहां पर हैं, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में, उनसे ये कहा जाता है कि आप ऐसे टारगेट सिलेक्ट करके हमें बताएं। और टारगेट, कई तरह के टारगेट उस वक्त आते हैं, अल्टीमेटली
प्रधानमंत्री और सबको ये लगता है कि इस सब में जो सारे टारगेट बताए गए जिनके बारे में मैंने किताब में लिखा है उसमें सबसे उपयुक्त जो है एक सिंबॉलिक मैसेज भी जो जाएगा वो बालाकोट स्ट्राइक से जाएगा, क्योंकि बालाकोट का एक पुराना इतिहास है जिसके बारे में मैंने किताब में लिखा है, और वो बालाकोट का इतिहास रॉ के कुछ अफसरों को नहीं मालूम है, लेकिन उनका जो एसेट है जिसके साथ वो एक मीटिंग करते हैं उसको मालूम है, और वो रॉ के अधिकारियों को पहली बार कहता है। उसके बाद जब वो उसका सिंबोलिज्म उस जगह का सिंबोलिज्म जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक आता है तो उसके बाद ये फाइनलाइज होता है कि ये वही जगह है जहां पर हमको हमला करना चाहिए, और 26 फरवरी की दिन जो है वहीं पर हमला होता है, और उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है वो सब हम जानते हैं। राहुल, आपने इसमें एक चीज अच्छी की कि किताब को बीच में उसका फ्लो रोक के थोड़ा सा इंसर्जेंसी 47 ऑनवर्ड्स इन सब के बारे में बात की, ताकि एक पर्सपेक्टिव लोगों को मिल जाए। और उसमें दो किस्से मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यूअर्स को जरूर जानने चाहिए, एक तो मोहम्मद दीन जागी जी, उनका किस्सा अगर आप बता सकें। ये मेरे लिए भी बड़ी मेरे लिए बड़ी फैसिनेशन का विषय है सौरभ, क्योंकि मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना बचपन 14 साल वहाँ कश्मीर में बिताए हैं, लेकिन मेरा जो वक्त रहा बचपन से ही एक बहुत रेडिकलाइज वक्त मैंने देखा है, जब मेरे आसपास के तमाम लोग, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे मेरे आस पड़ोस में लोग रहते हों, चाहे मेरे पिताजी या माताजी की दफ्तर में काम करने वाले लोग हों, एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट मैंने हमेशा वहाँ देखा है, और एक एक तरह से एक रेडिकलाइजेशन भी कई मायनों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने वहां पर देखी है। दीन मोहम्मद जागीर का केस मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग है, क्योंकि 60s में होता है और ये एक गुजर हैं, और चूंकि 1947 से ही पाकिस्तान इस होड़ में होता है, एक सपना होता है उसका कि वो कश्मीर को आजाद कर दें और कश्मीर का जो है विलय जो है एक तरह से पाकिस्तान में होना चाहिए। 1947 में पहली बार कोशिश होती है, अक्टूबर 1947 में, जब कबायली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से पाकिस्तानी आर्मी की मदद से कश्मीर पर दावा बोलते हैं, और उससे मुजफ्फराबाद वगैरह ये सारे इलाके हैं कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर का पूरा स्टेट है प्रिंसली स्टेट उसे कट जाता है। उसके बाद एक डिफैक्टो लाइन बनती है जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जो दोनों तरफ से कोई रिकग्नाइज नहीं करता और कर भी नहीं सकता, कितना पॉपुलर सेंटिमेंट दोनों मुल्कों में जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी तमाम तरह की कोशिशें पाकिस्तान करता रहता है, और एक कोशिश ऑपरेशन जिब्राल्टर के रूप में 1965 में इस तरह की होती है, जब साधारण वेश में पाकिस्तान के कुछ सिपाही आते हैं और उनको लगता है कि 65 तक हालात काफी बदल गए हैं, क्योंकि 47 में कुछ पॉकेट्स ऑफ सपोर्ट उनको मिलते हैं सिविलियन पॉपुलेशन पे, पर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो नहीं, उसका साथ नहीं देते हैं पाकिस्तान को, और कश्मीर जो है कुछ हिस्सों को छोड़ के भारत का ही हिस्सा रहता, तब तक भारत आर्मी भी इंडियन आर्मी भी आती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता वगैरह वगैरह। लेकिन 65 में पाकिस्तान को लगता है कि उसको फिर से कोशिश करनी चाहिए, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल से वो कुछ लोग आते हैं और वो छिप जाते हैं जंगलों में, और जब वो दीन मोहम्मद जागीर को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये हमारा कोर रिलीजनिस्ट है, ये हमारे साथ धर्म शेयर करता है, तो ये पाकिस्तान का हिमायती होगा, और वो उसको भेजते हैं कि वो वहां से कुछ कपड़े लेकर आओ हमारे लिए, कश्मीरी कपड़े लेकर आओ ताकि हम पहने और पॉपुलेशन के साथ घुल मिल जाएं, उसके बाद हम अंदर से कोशिश करते हैं कि किसी तरह का इंसरक्शन हो, किसी तरह की बगावत अंदर से शुरू हो। लेकिन दीन मोहम्मद जागीर का दिल 65 में भारत के लिए धड़कता है, और उसको कम से कम, अगर नहीं भी धड़कता पर उसको कम से कम ये लगता है कि ये बात गलत है और इसको, इसकी खबर उसको इंडियन अथॉरिटीज को, पुलिस को देनी चाहिए, और वो पुलिस को देता है, जिससे एक बहुत बड़ी घटना जो है कम से कम कारगिल जैसी घटना जो 1999 में हुई वो होने से रुक जाती है, उससे भी बड़ी घटना हो सकती थी जब वो अंदर आते हैं तो वो रुक जाती है। तो 65 में उस वक्त तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होती हैं इंदिरा गांधी, वो उनसे बात करती हैं और वो कहती हैं कि आपको क्या चाहिए, तो दो छोटी सी डिमांड, जो भोली सी बड़ी इनोसेंट डिमांड जो है वो दीन मोहम्मद जागीर उस वक्त रखते हैं, और इंदिरा गांधी भी उनका सम्मान करती हैं उन दो छोटी डिमांड्स का,
मैं कभी सोचता हूँ कि अगर आज की तारीख में कोई उस तरह की दो डिमांड रखेगा तो वो उसका रिएक्शन क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उस वक्त चूंकि बड़ा ग्रेटिट्यूड रहता है दीन मोहम्मद जागीर साहब के लिए, तो उनको वो दोनों जो छोटी बड़ी भोली सी डिमांड्स हैं उनको उसका उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन 25 साल तक हो सकता है कि आसपास के लोग जिनके थोड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट हो, पर कोई ऐसा नहीं हुआ कि उनको कोई घर से बेदखल हुआ या उन जैसे हम रूरल भाषा में कहते हैं कोई हुक्का पानी उनका बंद हुआ हो उस जमाने में। लेकिन जैसे 89-90 में मिलिटेंसी शुरू होती है, गन पहली बार अंदर आता है और कश्मीरी नवयुवक पाकिस्तान से ट्रेन प्रशिक्षण प्राप्त करके पहली बार आते हैं, तो जो सबसे पहले लोगों में से जो टारगेट बनता है वो दीन मोहम्मद जागीर साहब ही बनते हैं और उनका बड़ी बेरहमी से उस वक्त जो है अपने इलाके में अपने गांव में उनका कत्ल किया जाता है। तो ये मेरे लिए भी बड़ी निजी रूप से बड़ी फैसिनेशन का सबब है कि कश्मीर में एक जमाने में दीन मोहम्मद जागीर जैसे लोग हुआ करते थे, मकबूल शेरवानी जैसे लोग हुआ करते थे 1947 में, जिनको कबाइलियों ने बाद में रास्ता भटकाने के लिए फायरिंग जी बिल्कुल वहां से हम बुरहान वानी और आदिल अहमद डार और शाकिर बशीर और इस तरह के लोगों तक कैसे आए, ये मेरे लिए बड़ा ही इसका एक सैड पार्ट भी है और एक कोताहुल का विषय भी है कि ये हुआ कैसे, ये सफर हमने कैसे तय किया। जब हम ये पूरे रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस और कश्मीर में जो पहले कहा जाता था कि साहब कश्मीर की लड़ाई और अब उसको इस्लाम की लड़ाई बना दिया है, तो जमात इस्लामी जो निज़ाम हयात चाहता है और जिसको डेमोक्रेसी हराम लगती है और उनकी हरकतें ऐसी हैं जैसे वो नज़ीर की बीवी को किस तरह से मारते हैं उसका सर काट के क्योंकि वो साहब एक आर्मी कैंप से निकलती दिख गई, इन सब के बीच कुछ किरदार आते हैं कहानी में, मसूद अजहर, सज्जाद अफगानी या मुश्ताक दरगर जो छोड़ा गया था, और मेरे लिए ये बड़ा आई वॉज सरप्राइज कि मसूद अजहर जब हिंदुस्तान में आया तो वो ढाका से आया अपने आप को ये बोल के कि मैं पुर्तगाल का कारोबारी हूँ, जड़ें मेरी गुजरात में हैं, और अयोध्या जाता है और अयोध्या से कश्मीर फिर पहुंचता है और ऑटो में पकड़ लिया जाता है। जब आप मुश्ताक जरगर का किस्सा लिख रहे थे, चूंकि यही तीनों लोग थे उमर शेख, मसूद अजहर और मुश्ताक जरगर, जिनको IC-814 की जो पूरा किडनैपिंग था उसमें रिहा करवाया गया, मुश्ताक जरगर के बारे में आपने काफी लिखा है कि वो मतलब किस तरह की ट्रिक्स अपनाता था, मतलब वो जो पागल वाली एक्टिंग है वो तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है, BSF से बहुत चिढ़ता था जी। मुश्ताक जरगर एक बहुत ही ड्रेडेड आतंकवादी है और मास्टर मैनिपुलेटर है, और वो शुरुआत में बिल्कुल शुरुआत में जो लोग यासिन मलिक जैसे लोग या हमीद शेख जैसे लोग जो हैं जो 88 में ही ट्रेनिंग प्राप्त करने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके चले गए, उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं के साथ उठना बैठना है, वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक आतंकवादी है, लेकिन उसका मोह जो है बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से भी भंग हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की वायलेंस JKLF करता है वो उससे भी ज्यादा वायलेंस लाना चाहता है, और तब तक हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन बनते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कश्मीर की आजादी के बारे में बात करता है तो पाकिस्तान को इस बात की भी चिंता होने लगती है, तो वो हिजबुल मुजाहिदीन जैसे फ्रंट शुरू करता है जो जो बेसिकली जमात इस्लामी के फ्रंट हैं, जिनका फ्रंट जमात इस्लामी है रादर, और वो कश्मीर के पाकिस्तान के विलय की बात ओपनली करते हैं, तो फिर वो अपना एक संगठन बना लेता है आल उमर मुजाहिदीन, और उसका BSF से कई बार सामना होता है, क्योंकि उसकी फोटो वगैरह नहीं है सुरक्षा एजेंसियों के पास, तो कई बार एक आध इनकाउंटर में वो बहुत बड़ा चकमा भी BSF को देकर जाता है जब वो अपनी एक पागलपन के दौरे की एक्टिंग करता है और अपनी चप्पल जो है चबाने लगता है, तो BSF को लगता है कि ये पागल है और ये आतंकवादी नहीं हो सकता और उसको भगा दिया जाता है, तो इस तरह कई बार वो चकमा देता है, लेकिन उसको एक हेटर भी डेवलप हो जाता है BSF का, और कई बार वो BSF के अधिकारियों को निशाना बनाता है, जब भी उसे कोई ऐसे वल्नरेबल पोजिशन में कोई जवान मिलता है उसको पकड़ के वो पूरी तरह से उसकी हत्या कर देता है, तो इस तरह की, और उसके बाद वो गिरफ्तार भी BSF के द्वारा ही होता है डाउनटाउन श्रीनगर से, और उसके बाद उसकी जेल हो जाती है। अब ये आदमी जो है ये पाकिस्तान के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता,
जितनी इम्पोर्टेंस मसूद अजहर रखता है या उमर शेख रखता है, मसूद अजहर चूंकि ट्रेनिंग में गया है, मुजाहिदी ट्रेनिंग कर गया अफगानिस्तान में, और उससे वो ट्रेनिंग नहीं हो पाई है क्योंकि वो इतना मोटा और थुलथुला है और उसको फिजिकल ट्रेनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो फिजिकली बहुत अनफिट है, और वहां पर उसकी हालत ये हो जाती है कि वो रात को कैंप में बाहर निकलता, जब वापस आता अपना पासवर्ड तक भूल जाता है घबराहट में, तो वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अनफिट पाया जाता है। लेकिन उसके हैंडलर जो है वो एक चीज बड़ी नोटिस करते हैं कि जब वो भागता है या कोई कोई फिजिकल ड्रिल करने की कोशिश करता है या फायरिंग करने की कोशिश करता है, उसमें तो एकदम वो फेल्योर है। लेकिन कुछ अजीब सा जादू हो जाता है जब वो कहीं खड़ा होके कोई तकरीर करने लगता है, कोई भाषण देने लगता है, तो लोग में उसके आसपास के जो साथी हैं वो मेस्मराइज हो जाते हैं क्योंकि उसके पास एक गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ स्पीच है। तो मसूद अजहर को 94 में अपने साथी सज्जाद अफगानी के साथ इसीलिए भेजा जाता है, और सज्जाद अफगानी उस कैंप में थे और सज्जाद अफगानी को मालूम है कि ये ट्रेनिंग वाइज एकदम फेलियर है, लेकिन चूंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली का हिस्सा है, एक मास्टर का बेटा है जो जिहादियों के काफी क्लोज है, 11 बच्चों में से एक बच्चा है, और उनको लगता है कि इसका जो सही इस्तेमाल है मसूद अजहर का वो कश्मीर में होगा, जहां पर जो आतंकवादी हैं उनका मोराल थोड़ा डाउन हो गया है, तब तक भारतीय सेना ने काफी बीएसएफ ने काफी मिलिटेंट्स को मार गिराया गया, वहां पर मनोबल थोड़ा नीचे है, तो उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए उन्हें भेजा जाता है। और फिर वो अयोध्या जाता है और वहां कसम खाता है कि मैं, क्योंकि तब तक बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन हो चुकी होती है, और ये बहुत बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट बन जाता है, एक प्रोपेगेंडा का टूल भी बन जाता है पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर्स के लिए, जिसका बखूबी वो इस्तेमाल करते हैं, चेचनिया का इस्तेमाल बाद में करते हैं, और चेचनिया के वीडियोस दिखा दिखा कर उमर शेख को मोबिलाइज करते हैं। तो जब पर उसकी 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 लक रन आउट कर जाती है, बहुत जल्दी वो पकड़ा जाता है, एक ऑटो में पकड़ा जाता है, बेसब को पकड़ती है, और जो वो पकड़ती है अनंतनाग में, मेन चौक अनंतनाग से, उन्हें कोई इस बात का इल्म नहीं है कि अजहर कितना इम्पोर्टेंट आदमी है, ये उन्हें बाद में पता चलता है। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होती है उसके बाद से ये कवायद शुरू होती है पाकिस्तान में कि इसको किसी तरह छुड़ा दिया जाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आदमी है अब उनके लिए, क्योंकि इसके पास जो गिफ्ट ऑफ स्पीच है वो किसी और के पास नहीं है, और उनको लगता है कि बड़ा जरूरी है। और इस तरह का आदमी उस आदमी से 10 गुना 100 गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक आतंकवादी जब ट्रेन होता तो सिर्फ अपने, उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ अपना आप होती है, लेकिन एक आदमी जो 1,000, 10,000, 1,00,000 लोगों को अपनी भाषण के द्वारा, अपनी स्पीच के द्वारा, अपने लफ्जों के द्वारा मोटिवेट कर सकता है आदिल अहमद डार जैसा आतंकवादी बनने में, सुसाइड बॉम्बर बनने में, वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो वहीं से कवायद शुरू होती है। उसी कवायद के सिलसिले में उमर शेख भारत आता है और वो तमाम तरह की कोशिशें करता है। उस जमाने में आपको याद होगा कि 6 फॉरेन टूरिस्टों को, विदेशी टूरिस्टों को किडनैप किया जा रहा था, एक आर्टिफिशियल नेम देकर, हरकतुल जहाद इस्लामी को अलफरान का नाम देकर वो घटना होती है, वो भी सक्सेसफुल नहीं होती। उसके बाद गाजी बाबा आता है जो पार्लियामेंट का मास्टरमाइंड है, वो आता है, और ये तभी संभव हो पाता है कि जब वो 1999 में IC-814 हाईजैक होता है और उसके एवज में इन तीनों आदमियों को छोड़ा जाता है। अब इन तीन आदमियों से दो आदमी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुश्ताक जरकर का नाम वो इसलिए ऐड कर देते हैं ताकि फिर वही बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाना चाहते हैं कि ये मूवमेंट जो है, तथाकथित मूवमेंट है जो है, ये इंडिजिनस है, और कश्मीरियों को एक संदेश दिलाना चाहते हैं कि ये जितना इम्पोर्टेंट आदमी हमारे लिए मसूद अजहर है या उमर शेख जो है, जो यूके सिटीजन है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए मुश्ताक जरगर भी है जो एक आम कश्मीरी है, जो आतंकवादी है, वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो इसलिए उस फेहरिस्त में उसका नाम भी जोड़ दिया जाता है। राहुल भाई, किताब में और आपकी नॉलेज में इतनी चीजें हैं कि हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि किताब की कुछ चीजें जानबूझकर छोड़ दी जाएं ताकि लोग किताब भी पढ़ें। लेकिन एक प्रसंग है जो मैं, मतलब जिसको कहते हैं ना संस्कृत में लोभ संवरण, नहीं कर पा रहा हूं इस बात का कि आप दर्शकों को बताएं उसके बारे में। बीएसएफ के ऑफिसर नरेंद्र नाथ धर दुबे,
और किस तरह से वो गाजी बाबा वाला एनकाउंटर होता है उसकी आप एक झलकी बता दीजिए, बाकी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रीडर्स बुक में पढ़ेंगे, क्योंकि वो उस डिटेलिंग के साथ पढ़ने पे जो आपको समझ में आता है कि जो सुरक्षा बल हैं वो क्या क्या कर गुजरते हैं। पत्नी तीज के व्रत पर इंतजार कर रही हैं, और फिर वो 2 बरस बाद जब अपने एक साथी के उसमें सहारे से पहुंच रहे हैं, कितने बरस तक एम्स जा रहे हैं, और वो एक्चुअली में वहां पर क्या हुआ, आईवी को भी नहीं पता कि ऑपरेशन चल रहा है, रात में पहुंच गए ऑपरेशन चल रहा है, अभी इट्स बिल्कुल नर्व रैकिंग। मेरे लिए सबसे बड़ी सनसनीखेज घटनाक्रम ये था सौरभ, कि जब मैंने इस किताब का रिसर्च करना शुरू किया पुलवामा के बारे में, तो मैं फॉलो कर ही रहा था उसको, और लगातार जो अधिकारी उसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, एनआईए से या जम्मू कश्मीर पुलिस से या बाकी सारी एजेंसियां, मिलिट्री इंटेलिजेंस वगैरह, उनसे मैं लगातार संपर्क में था, और मैं देख रहा था कि केस कैसे आगे बढ़ रहा है। काफी चीजें मुझे नहीं पता चल रही थी, क्योंकि वो अभी आगे बढ़ रही थी, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे साथ शेयर नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे चीज बढ़ा था, मुझे एक थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा था, और मुझे लगा कि जब मैं किताब लिखूं, इसमें एक बहुत जरूरी चीज है, वो गाजी बाबा का जो कैरेक्टर है वो बड़ा जरूरी है, और जब तक मैं गाजी बाबा का कैरेक्टर अपने पाठकों को नहीं समझा सकता, तब तक ये किताब मुझे लगा कि ये इनकम्प्लीट रहेगी। जब गाजी बाबा का एनकाउंटर होता है, तब मैं एक जूनियर रिपोर्टर था, और उस वक्त चीजें मैंने देखी, और उसके बाद भी मैंने खंगाली, तो मैंने बड़ा एक आश्चर्यजनक चीज पाई, उसकी बहुत कम कवरेज हुई उस जमाने में। मतलब टेलीग्राफ में एक छोटी सी खबर है, रेडियो पर एक छोटी सी खबर है, और मतलब कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर करके गोल मटोल करके उसको कर दिया गया, और मुझे लगा कि वो बड़ा जरूरी। मुझे नाम भी पता नहीं था कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, और मुझे मालूम था कि बीएसएफ का ऑपरेशन है और क्या है, तो किसी एक स्कूल से मुझे पता चला कोई बीनू चंद्रन है बीएसएफ के अधिकारी, वो इस ऑपरेशन में शामिल थे। और चूंकि पुलवामा में तरह तरह के, आपको याद होगा कि पुलवामा का जब घटनाक्रम हुआ, और तमाम तरह की रिपोर्ट्स आने लगी, तमाम तरह के समाजशास्त्री और जर्नलिस्ट उसमें लग गए कि साहब अब उनकी जो 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 लोग उसमें मारे गए उनका कास्ट आप देखिए, कितने अपर कास्ट हैं, कितने लोअर, सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं, कितने वो फलाना कास्ट है। तो मुझे मतलब मैं इतने सालों से सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को कवर कर रहा हूँ, हालांकि ये चीजें बड़ी स्टीरियोटाइप हो जाती हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसी फीलिंग में रहा उनके साथ, लोगों के साथ, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आर्मी में, उनकी वेशभूषा, बातचीत करने का ढंग, जो हिंदी हार्टलैंड से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, उनकी अलग अलग वो हो सकती हैं, लेकिन जब एक बार वो यूनिफॉर्म डॉन कर लेते, मैंने किसी भी तरह का इस तरह का नहीं पाया कि अब वो फलाना कास्ट का है या लिमकाना कास्ट का है। इस तरह मैंने कभी अपनी बहुत ही क्लोज और इंटीमेट बातचीतों में भी नहीं राहुल पाया। भाई, कुछ लोगों की दुकानदारी ही इसी पे चलती है कि वो हर चीज में कास्ट खोज लें, हर चीज में कास्ट खोज लें। हर चीज में कास्ट, और अब मतलब क्या कह सकते हैं। और तो फिर मैंने देखा कि ये लोग हैं। अब चूंकि अभी हमें आज के वक्त में, पिछले कुछ सालों से कश्मीर में कुछ भी होता है, हमें इस चीज का तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे पास, व्हाट्सएप पे चीजें वायरल हो जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता आज के वक्त में जो भी, जिसके पास भी इंटरनेट एक्सेस है, उसने चेतन कुमार चीता का नाम नहीं सुना होगा, जो सीआरपीएफ के बड़े ब्रेव अधिकारी, जिन्होंने काफी सारी गोलियां खाई और फिर वो विगत हाल फिलहाल में बीमार पड़ गए, और इस तरह की चीजें हुई। तो इस तरह के काफी केस हमारे, लेकिन ये घटना उस वक्त की है जब ये इंटरनेट वगैरह हमारे यहाँ बहुत ही कम था, और ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं हुआ करता था उस जमाने में। क्या हुआ क्या नहीं, और ये घटना जो है किसी तरह दब गई। इस घटना की जब मैंने छानबीन शुरू की, मैंने अपने बीएसएफ के मित्रों से पूछा, और पूछते पूछते काफी वक्त मुझे लगा। अल्टीमेटली मुझे सफलता मिली जब मुझे दो तीन लोगों का नाम बताया गया, जिसमें ये टूआईसी थे उस जमाने में, नरेंद्रनाथ धर दुबे साहब, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बीएसएफ के ऑफिसर हैं, अभी भी कार्यरत हैं। और मेरे को ये जानकर भी आश्चर्य हुआ कि ये एनआईए में भी काम कर चुके हैं, जब एनआईए का शुरुआत में ये काम कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से इकलौते एक ऐसे नॉन आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको अपने एक्सपीरियंस से उस वक्त एनआईए में जुड़ने का मौका मिला, तो बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, और
मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पर मुझे नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि उनके दिल में कहीं ना कहीं इस बात की टीस है कि उस वक्त जो बीएसएफ ने कम से कम जिस तरह की चीजें उस वक्त अंजाम दी, गाजी बाबा को मार गिराया जो पार्लियामेंट का मास्टरमाइंड था, और उन्होंने उस वक्त उस ऑपरेशन में जैसी बहादुरी दिखाई, उसका श्रेय कहीं ना कहीं या उसके बारे में बातचीत कहीं ना कहीं नहीं हुई। और जब मैं उनके साथ बैठा और जैसे मैं उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा था, नोट कर रहा था, उसके बाद मैंने उन सारी चीजों को कोराबोरेट किया मल्टीपल सोर्सेज से, मुझे लगा कि अगर एज अ लेमैन अगर मैं ये किसी टेलीविजन सीरीज में या नेटफ्लिक्स पे ये कहानी देखता और मुझे ये कहा जाता कि ये सत्य घटना पर आधारित है, तो मैं कहता कि मेरा उल्लू बनाया जा रहा है, ये संभव ही नहीं है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं और इस तरह इन्वेस्टिगेशन किसी चीज पे आगे बढ़ सकता है। मतलब ये फिल्मी से भी फिल्मी है, या जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेंजर देन फिक्शन, ऐसा लगा। लेकिन ये बात सच है और ये एकदम तथ्य है, और ये स्टोरी चाहे जितनी भी फिल्मी है लेकिन इसका हर एक अंश सच है। और बात वही है कि जो करेज दिखाता है, जो हार्डवर्क करता है, लक भी उसी का साथ देती है, जैसे 2019 में एनआईए के अफसरों को मिली, उसी तरह बीएसएफ के ऑफिसरों को मिली, नरेंद्रनाथ धर दुबे, सीपी त्रिवेदी साहब, एमआर बीनूचंद्रन, और इन्होंने कितना बलिदान दिया उस वक्त। मतलब मैं उनके घर पे गया और मैंने उनसे बात की, मतलब उनका पूरा इंटेस्टिंस कहीं नहीं है, एक गोली अभी भी अंदर लॉज्ड है और वो कैसे बचे, एक गोली यहाँ मेडल में लगी है, क्योंकि पहला जो असॉल्ट हुआ गाजी बाबा पे वो वहां पर थे, और एक आदमी जो उनका ऑपरेटर था बलबीर सिंह वो वहीं शहीद हुआ, और एमआर बीनूचंद्रन ऊपर फायरिंग करते करते उनको बचाने की कोशिश करने में काफी सारे लोग लगे हुए थे, और उसके बाद वो गिरे और जिप्सी में जाके गिरे, पुलिस की जिप्सी में जाके, और उसके बाद उनकी तमाम तरह की इंजरीज उनको आई, उसके बाद मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको जो है सेवानिवृत्त होना पड़ा। तो इस तरह की चीजें नहीं आई। तो मैंने बीनू से भी उसके बाद बाकी, तो उसके उनके मन में भी ये, वो प्राइवेट सेक्टर में अब काम करते हैं, लेकिन उनके मन में भी बहुत बड़ी टीस मुझे दिखाई दी कि हमारा, हमने जो काम उस वक्त किया, और ये काम मैं आपको बता दूं सौरभ, बहुत मुश्किल काम था उस वक्त, क्योंकि ये हम मिलिटेंसी की पीक के बारे में बात कर रहे हैं, 90s में बीएसएफ ने उस जमाने में कैसे काम किया, जैसे किताब में भी दुबे साहब उसका जिक्र करते हैं कि मतलब डाउनटाउन श्रीनगर में फायरिंग हो रही है, उसी फायरिंग के बीचों बीच आप एक तरफ से सैंड के रेत के बोरे लगाकर अपना एक बंकर खड़ा करते हैं, और दूसरी तरफ से खड़ा करते हैं, फिर तीसरी डायरेक्शन में खड़ा करते हैं, चौथे डायरेक्शन में खड़ा करते हैं, इस तरह की स्थिति में आपका पिकेट खड़ा हो जाता है। उस वक्त फैसिलिटीज भी बहुत कम थी, आज की जैसी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज मिलती हैं, उस वक्त वैसे हॉस्टाइल कंडीशन में काम करना, और उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ गाजी बाबा को उसके डेन में जाकर खत्म करना, मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व काम है। और जब मैंने इस स्टोरी को सुना, मेरा एक बड़ा लक्ष्य ये था, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कम से कम मैं इसका एक, इस कहानी का एक जरिया बना। पुलवामा की कहानी तो है अपने आप में इम्पोर्टेंट, लेकिन ये गाजी बाबा की कहानी जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि गाजी बाबा जो इंफ्रास्ट्रक्चर 90s और अर्ली 2000s में जमाता है कश्मीर में, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैश लीडरशिप, जो वहां की टेररिस्ट लीडरशिप है, आज भी कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करती है। उसी कहानी बड़ी जरूरी थी, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मैं उस कहानी का जरिया बना और मेरे थ्रू ये कहानी बोली गई। मुझे लगता है ये मेरे करियर का एक बड़ा हाईलाइट रहेगा पर्सनली मेरे लिए, आपके लिए भी और एज अ रीडर मेरे लिए भी। मतलब मैं अगर जब इन कहानियों की बात करूंगा तो इदरीस के बारे में कैसे पता चलता है राकेश को, वो कहानी कि गुड कॉप बैड कॉप और एक आतंकवादी है जो बोल रहा है मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही, रो रहा है, और राकेश धर दुबे, सॉरी ये नरेंद्र नाथ धर दुबे, इनकी कहानी, मतलब वो इतना चिलिंग इफेक्ट है ना कि अंदर आतंकवादी छिपे हैं, बीच में शीशा, और आप उस शीशे को देख के बाल खींच रहे हैं, और फिर एकदम सब होता है, और फिर जो आपने बताया कि बीनू वगैरह को कैसे वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, और वो एक औरत है वो मोमबत्ती लेके आ रही है और नीली कमीज में, वो एक आदमी को जमीन पर देखती है और फिर लौट जाती है, और बाद में वो पाकिस्तान भी भाग जाती है, उसकी तस्वीर भी है, वो बहुत चिलिंग है।
इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसा ही एक किरदार है। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ बताना चाहता हूँ मैं, वो उसी बात पे फिर आता हूँ। जब मैंने पहली बार जब मैंने इस बातचीत की शुरुआत में कहा कि देखिए ये बात हमको माननी पड़ेगी कि कहीं भी इंसर्जेंसी अगर आपको फाइट करनी है, जब तक वहां की लोकल पॉपुलेशन, जब तक वहां की लोकल स्टेट पुलिस उसमें स्टेक होल्डर नहीं बनती है, तब तक कोई भी इंसर्जेंसी आप विन नहीं कर सकते। आपके पास पंजाब का बड़ा एग्जाम्पल है, पंजाब में सीआरपीएफ बीएसएफ ने बहुत ट्राई की, जब तक पंजाब पुलिस खुद उस लेवल तक नहीं पहुंची कि वो उनका तब तक नहीं हुआ। ये कश्मीर के बारे में भी सही है, तो जो मैक्सिमम काम है वहां की जम्मू कश्मीर पुलिस करती है, उसका श्रेय उनको मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बड़ी खास बात है कि अब गाजी बाबा का इनकाउंटर आपने कर दिया, लेकिन उसकी 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 पत्नी पाकिस्तान कैसे भाग गई, उसके बाद उस मकान का जो मालिक है उसके साथ क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन उसके बाद उसके बेटे ने क्या किया, मकान मालिक के बेटे ने क्या किया, कोई आपने मार दिया ये आपके लिए बड़ी सफलता है, लेकिन उसके बाद क्या, उसकी और भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। वो जड़ नहीं उखाड़ी ना तो दोबारा से पनप गई चीजें कुछ कुछ। जी, ये बड़ी दिक्कत है। और यही दिक्कत आपको जो वो बौना आदमी है नूर त्राली उसके केस में भी दिखाई देती है, और तरह तरह त्राली के केस में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेट रीडर्स एक्सप्लोर। लेकिन चूंकि नूर त्राली के केस है, आप समझिए दर्शकों की 4 फुट का आदमी है, किसी कर्म का नहीं है, और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां उस पर शक भी नहीं करती हैं। और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबके लिए काम करता है, इतना मोटिवेटेड है कि बॉर्डर पार करके जाता है कि नहीं मुझे मिलना है मसूद अजहर से, इनसे उनसे, और फाइनली वो पकड़ा जाता है। लेकिन चूंकि नूर तंत्री जेल में रहा, फिर कश्मीर फ्लड के बाद रिहा हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगा कि उनके लिए काम कर रहा है, असल में जैश के लिए काम कर रहा था, इन सब के बीच वो मारा भी जाता है फिर। लेकिन वो लेथपोरा का जो सीआरपीएफ अटैक है, सीआरपीएफ कैंप पे, क्योंकि उसके तार पुलवामा से जड़ रहे, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बता सकते। देखिए नूर त्राली परोल पे छूटने के बाद फिर से वही कोशिश करता है और वही से बरगलाने की कोशिश करता है, और वो फिर से सुरक्षा एजेंसियों, क्योंकि वो उसका माहिर है, वो फिर से सुरक्षा एजेंसियों को इस अंधेरे में रखना चाहता कि वो अब उनके काम आएगा। अपनी गिरफ्तारी से पहले भी उसने इस तरह की बड़ी कोशिशें की हैं। उसने अपने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि वो यहाँ बीजेपी दिल्ली में ऑफिस में एक चाय की दुकान खोलना चाहता था, और उसने बीजेपी का फॉर्म लिया था। उसका प्लान ये था कि वो वहां पर घुल मिल लेगा लोगों से, विश्वास जीत लेगा, और उसके बाद एक बड़े हमले में जो बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता है उनको मार देगा। तो इस तरह की काफी चीजें वो करता, लेकिन उससे पहले ही वो कुछ चीजें हो जाती हैं जिनके बारे में आप किताब में पढ़ेंगे। और लेकिन उसके बाद भी वो अपनी मेंटालिटी से बाज नहीं आता, क्योंकि उसके पास एक टारगेट है, वो इतना मोटिवेटेड है, और वो तमाम तरह की एजेंसीज को, चूंकि मल्टीपल एजेंसीज हैं, ये बड़ी कमजोरी है काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड की, और इसको बार बार इसकी कमजोरी, ये जो कमजोरी है, ये कमजोरी जो है ये मिलिटेंट जो है वो भांपते हैं, उनको मालूम है इस कमजोरी के बारे में, और इस कमजोरी का कई बार वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक एजेंसी आपके पीछे पड़ गई तो आपने किसी दूसरी एजेंसी को फोन कर दिया, वहां के किसी अधिकारी को फोन कर दिया कि मैं तो साहब आपका आदमी हूँ, मुझे छुड़वा दीजिए, मेरे को इन लोगों ने गिरफ्तार किया, तो फिर एक फोन आएगा कहे कि नहीं हमारा आदमी है, ये हमारे लिए काम करता है, कोई छोटी मोटी उसने खबर दे दी होगी जो इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान जैश को नहीं उठाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी ओपन हो गए कुछ आतंकवादी, उनके बारे में कुछ जानकारी दे देगा, एक थोड़ा सा जैसे हम आम भाषा में कहेंगे तो एक लॉलीपॉप सा उनको पकड़ा दिया कि साहब इससे जो है मैं आपका काम आऊंगा। लेकिन पीठ पीछे वो तरह तरह की खतरनाक चीजें कर रहा है, और खतरनाक चीजों में ये है कि वो तरह तरह के अटैक्स जो हैं, चूंकि वो जैश को रिवाइव करने में कश्मीर में उसकी बड़ी अहम भूमिका है, तो वो सुरक्षा एजेंसियों की पीठ पीछे उसको उनको सामने कह रहा है कि वो उनका आदमी है, लेकिन पीठ पीछे तरह तरह की वारदातों को अंजाम देने में जो है सक्रिय है। और उसी वारदात में एक बहुत बड़ा वो प्लान बनाते हैं लेथपोरा का जो सीआरपीएफ कैंप है,
जो इस जो पुलवामा वाला जो एरिया, बस वो बिल्कुल उसके साथ ही पास में ही है, वहां पर हमले की एक बहुत बड़ी रचना रची जाती है। जम्मू में कई जगहों पर हमला करने की रचना रची जाती है। बीएसएफ का एक कैंप है हुमहामा में एयरपोर्ट के पास, उस पे हमला होता है। तो ये सब हमलों में नूर तराली की बड़ी ही सक्रिय भूमिका है। वो तरह तरह के लोगों को तैयार करता है, जैश लीडरशिप उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट करती है। तमाम पाकिस्तानी कमांडर वो जो आते हैं, कारी यासिर है और तमाम तरह के लोग हैं। कुछ लोगों का नाम मैं इस किताब में जिक्र नहीं कर पाया क्योंकि वो इस किताब के पर्व्यू के बाहर हैं, लेकिन तमाम तरह के लोग हैं। मुन्ना बिहारी हैं, ये भी एक बहुत ही बॉम्ब एक्सपर्ट हैं, छोटे कद का आदमी है जो कश्मीर में एक जमाने में सक्रिय हुआ। ये भी कहा जाता कि वो रोहिंग्या है और जैश ने उसको किसी तरह बांग्लादेश पाकिस्तान से रिक्रूट करके यहाँ ले गया। वो बंगाली भी जानता है, बिहारी भी जानता है, तब बिहार में जो तब कुछ भाषाएं बोली जाती हैं उनके बारे में भी जानता है। सो इस तरह तो उसका नाम ही मुन्ना बिहारी रखा, कोर्ट ने उसका मुन्ना बिहारी, वो भी तरह तरह। तो इन सब से संपर्क में है नूर त्राली और तरह तरह की व्यूह रचना वो कर रहा है ताकि भारत जो इंडियन स्टेट जो है उसको कश्मीर में घुटनों पे लाया जा सके और जैश का तमाम जो है रिवाइवल हो। वो जो नौगाम वाले थाने में मोबाइल मिला, मतलब जिसको बोलते हैं ना जैकपॉट, और उसको क्रैक भी कर लिया इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसर्च टीम ने, और उस मोबाइल से जो तस्वीरें जो वीडियो, देखिए उसका मिलना कोई चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन ये भी आपको उसके पीछे लेकिन राहुल भाई ये भी दिखता है कि वो ऑफिसर कितने सिंसियर थे जो चेस कर रहे थे कि अच्छा जितने भी एनकाउंटर हुए उन सब के हम थानों में जाएंगे, क्या डिटेल्स मिले, क्या चीजें मिली, एनकाउंटर साइट से क्या क्या मिला, तो वो उनके भी वर्क एथिक्स को दिखाता है कि कितना बिल्कुल ड्यू डिलिजेंस जो है किसी भी छोटी छोटी होप जब आपको एक डेड एंड पे आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तब आप छोटे छोटे तिनकों का सहारा लेते हैं। आप देखते हैं कि कहीं ना आप डेस्परेट होते हैं एक इसके लिए, ये आपका ऑब्सेशन बन जाता है। मैं तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशन से बात करता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं, मेरी बात होती है, तो एक तरह से एक ये एक प्रेस्टीज पॉइंट तो है ही है, लेकिन एक ऑब्सेशन भी बन जाता है लोगों के लिए जिनके लिए ये फुल टाइम जॉब है। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, चाहे वो NIA के हों, चाहे वो कश्मीर पुलिस के हों, उनके लिए बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ा एक ऑब्सेशन बन जाता है कि इस केस को किसी तरह जो है क्रैक किया जाए। तो बड़ी कोशिश इसी कोशिश के बीच में जब एक डेड एंड इन्वेस्टिगेशन में आना शुरू हो जाता है और NIA के ऑफिसर्स को लगता है कि इसके आगे बात बढ़ नहीं रही है, तो राकेश और उनके साथी जो हैं इसको थोड़ा फिर वही है एक्सपेंड करते हैं, छोटी छोटी चीजों में देखना शुरू करते हैं। और उसी छोटी चीज के तहत जो एक आध छोटी सी चीज लोकल पुलिस ने इग्नोर की है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है ऐसा मान लीजिए, उस पर उनका जो है ध्यान जाता है और उससे उनको एक बड़ी बहुत बड़ा एक क्लू मिलता है, एक बहुत बड़ा एविडेंस मिलता है जिसको उसी वक्त दो चीजों से और कोराबरेट करते हैं। और उसके बाद ये केस की जो इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है। कार कहाँ पर पार्क थी, वो नीले रंग की इको कार, वो सारी चीजें। एक चीज ये बताइए कि जब हम ये पढ़ रहे थे पूरा, शाकिर बशीर की तस्वीरें आती हैं, इदरीस भाई बताया जाता है कि ये इनके साथ जो असल में तो कामरान था जिसका एनकाउंटर हुआ था, कामरान के साथ दो लड़के और मारे गए टाइप का मामला था, पता ही नहीं था कि ये कितना बड़ा आतंकवादी था। और जब पता भी चलता अच्छा कोई इदरीस भाई थे, इदरीस भाई के नाम से बुलाते थे, और इदरीस भाई और इंशा जहां की फोटो। मैं इसमें ये समझना चाह रहा था कि जब शाकिर को कन्फ्रंट करते हैं राकेश जो NIA के SSP हैं और कुरान वाली बात कहते हैं जो मैंने शुरुआत में कही, और फिर ये भी बोलते हैं कि तुम्हें तो लग रहा था कि तुम दीन का काम कर रहे हो और तुम्हारे इदरीस भाई तो इंशा के साथ अय्याशी कर रहे थे, तो वो बहुत शॉक्ड होता है, उसका टूटना शुरू होता है, ये हाउ डू यू इंटरप्रेट इट? देखिए जो मिलिटेंट फोल्ड में अट्रैक्ट होते हैं वो तरह तरह के लोग होते हैं, लेकिन रफली उनको दो बड़ी श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो ये होता है कि जो ट्रेनिंग हो गई और चूंकि
नौजवान हैं और उन्हें कुछ आइडिया नहीं है, उनको रिक्लाइज कर दिया जाता है। आपकी आवाज थोड़ी सी कम हो गई। उनको उनको रेडिकलाइज किया जाता है और उसके बाद वो कश्मीर आते हैं या कश्मीर से ही हैं, लेकिन उनका ध्यान कई और चीजों पे रहता है। ये अक्सर हमने लश्कर के जो आतंकवादी हैं जो नॉर्थ कश्मीर में सक्रिय थे, या वो उनका ध्यान काम पे तो होता ही, जो उनका जो गोल है लक्ष्य है, लेकिन उनका काम अय्याशी पे भी बहुत होता है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं, एक बहुत बड़े बहुत बड़ा जो है लश्कर का कमांडर था पाकिस्तानी नॉर्थ कश्मीर में, अब्दुल्ला उनी, वो भी अपनी अय्याशी के चक्कर में ही मारा गया, क्योंकि वो एक घर में जाता था जहाँ वो इन सब चक्करों में जाता था। तो इस तरह की काफी घटनाएं। लेकिन उसके अलावा फिर दूसरी एक श्रेणी है जो मास्टर मैनिपुलेटर है, इसमें जो मास्टर माइंड कुछ है वो मास्टर मैनिपुलेटर है, उन्हें तमाम चीजों के बारे में जानकारी है, लेकिन उनका वो एक उनको एक गोल मिला है और वो गोल उनको पूरा करना है, इस तरह के लोग हैं। फिर एक बड़ा एक गलेबल सेक्शन है जो कम्प्लीटली रेडिकलाइज्ड है, जो रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड के हैं, उनके लिए ये कुछ नहीं है, ना उनको अय्याशी में कोई इंटरेस्ट है, ना उनको इसके ग्लैमर से कोई इंटरेस्ट है, ना इसके पावर या पैसे से या कोई एडवेंचर सेंस ऑफ एडवेंचर से कोई इंटरेस्ट है। वो इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके लिए एक इस्लाम का हिस्सा है, और जिहाद करना और मुजाहिद बनना और काफिरों के खिलाफ लड़ना, ये उनका धर्म है, उनका मजहब यही है। उनका जो इंटरप्रिटेशन होता है वो ये रहता है, और ऐसे लोगों को क्रैक करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी कोई कमजोरी नहीं होती। इनकी कोई कमजोरी, कोई इस तरह का कोई किसी से शारीरिक संबंध बनाना नहीं है, जहां से कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई मोल डेवलप कर सके, कोई इन्फॉर्मर डेवलप कर सके, इस तरह का भी नहीं। तो इस तरह ये जो चीज जो है ये शाकिर बशीर में, ये चीज जो है इस वारदात का मास्टरमाइंड जो है वो पहले ही देख लेता है, वो भांप लेता है, और उसका इस्तेमाल उसी तरह वो करना शुरू करता है। जब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन NIA में शुरू हो जाती है, तो उनको लगता है कि वो आदमी है जो राकेश जो है अपने सीनियर से उस वक्त बात करते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं मुझे क्या करना चाहिए। उनको भी समझ में नहीं आता कि कैसे इसको ब्रेक किया जाए। उनके अपने अनुभव में ये है कि जो उनका अपना अनुभव है मणिपुर में या कश्मीर में, उनको लगता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट टॉर्चर जो है, अगर आप फिजिकल थोड़ा सा इंटिमिडेट उनको करते हैं तो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, कई बार वो गलत लीड के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि उसका जो कोर है, उसके जो कोर इश्यूज है, उनको एड्रेस किया जाए। पर ये बड़ा मेहनत का काम होता है सौरभ, ये काम बड़ा आसान नहीं होता। तो इसके लिए NIA के अधिकारी जो हैं वो हफ्तों डार्क वेब पे रहे, उन्होंने चैटर पिक किया, उसके बाद इससे बात की, इसको थोड़ा इमोशनल करने की कोशिश की, और तरह तरह की चीजें जो आप किताब में आपने पढ़ी हैं, मैं उनके बारे में डीपली नहीं जाना चाहता, लेकिन अल्टीमेटली वो एक तरह की एक रिलीजियस डिबेट हो जाती है दो लोगों में, और वो अपनी तरफ से जो उसके कुरान का इंटरप्रिटेशन है वो इस्तेमाल करता है, और NIA के अधिकारी जो हैं वो अपने जो उनका इंटरप्रिटेशन है और जो सही इंटरप्रिटेशन है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की द्वंद जब होता है, ये एक शारीरिक द्वंद नहीं है, ड्यूअल फिजिकल ड्यूअल नहीं है, ये एक यू नो इट्स लाइक अ गेम ऑफ चेस, और जहाँ अल्टीमेटली वो एक आदमी ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद केस जो है एकदम शतरंज की विसात की तरह जो है एकदम क्लियर हो जाता है, सब तारे जुड़ जाती हैं, और उसका पूरा श्रेय जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिलना चाहिए। और आखिरी में मुझे ध्यान आ रहा है कि जब ये खुलासा होता है कि जो इदरीस है वो दरअसल उमर फारूक है, और वो मसूद अजहर का भतीजा है, मसूद अजहर के भाई का बेटा है, और कैसे वो अफगानिस्तान के संगीन इलाके में ट्रेनिंग लेकर आया, उसका भाई भी आया था जो एनकाउंटर मारा गया। और आप एक चीज जो नहीं बताते हैं वो बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम आएगी भविष्य में, लेकिन रऊफ असगर जो ऑपरेशनल हेड है जैश का, और वो भी मसूद अजहर का भाई है, जब वो इसको बोलता है ऑपरेशन होने के बाद पुलवामा की फिदाइन अटैक की बात की, चैट हिस्ट्री फोन डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन ये अपनी आशिकी के चक्कर में सिर्फ चैट हिस्ट्री डिलीट करते हैं और वहीं से तार खुल जाते हैं। आपने बहुत विस्तार से बिल्कुल आखिरी चैप्टर में बताया है कि वो फाइनली जो फिदाइन अटैक हो रहा है उसके लिए कार खरीदी जा रही है, उसकी डिक्की उसकी सीटें हटाई जा रही हैं, कैसे कैसे एक्सप्लोसिव ऑर्डर हो रहे हैं, फोन कैसे आ रहे हैं,
So that I'll leave to the readers. मैं एक आखिरी में राहुल पंडित आपसे पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो. जी बिल्कुल. जर्नलिस्ट को ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है. आप कश्मीर से हैं, कश्मीरी पंडित हैं, आपके परिवार ने और आपने पलायन की उस त्रासदी को झेला है, बर्दाश्त किया है. आप सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, अपने अपने घरों को छोड़कर आना हमेशा के लिए. मतलब कोई राहुल पंडिता गुड़गांव में क्यों रहना चाहेगा, और वो भी जून में. सो व्हेन आई थिंक ऑफ इट तो मतलब मेरी आंखें भीगने लगती हैं. इन सब के बीच मैं देख रहा था कि जब आप इन आतंकवादियों के बारे में बात कर रहे थे जो कश्मीर के हैं, तो आप कह रहे थे कि ये नौजवान लड़के, इनको भटका दिया गया. जबकि हमें पढ़ते पढ़ते कई दफा गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे, हमें तो किसी ने भटका दिया कि हम ये सब करने लगे, है ना. आपको यू हैव टू चूज केयरफुली, पर आप फिर भी वो एम्पैथी बचाए रखते हैं. हाउ डू यू मैनेज इट, द ऑब्जेक्टिविटी एंड एम्पैथी. और मैं ये देखता हूं कि ट्विटर पे आपको जो अल्ट्रा लेफ्ट विंग वाले हैं और अल्ट्रा राइट विंग वाले हैं, दोनों ही गले भर भर गाली देते हैं. ये बड़ा दुखद रहता है मेरे लिए पर्सनली. मैं आपसे अभी बात कर रहा था, मैं एक ट्विटर हैंडल के बारे में आपसे बात कर रहा था जिनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई, और मुझे उनके बारे में कोई इल्म ही नहीं था कि वो जो शख्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में. लेकिन उनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई, और उसके बाद मेरे तमाम जो मित्र हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, तरह बहुत सारे मित्र हैं मेरे, उनको काफी अच्छी चीजें, दे हैड गुड थिंग्स टू से फॉर हर, और मुझे उस पर्सन का कोई इल्म ही नहीं था. उसके बाद जब मैंने वो ट्विटर हैंडल पे क्लिक किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया. हालांकि मैं उस आदमी के शख्स के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता, लीव अलोन एंगेजिंग विद हर एट सम पॉइंट इन टाइम इन ट्विटर. तो ये मेरे लिए बड़ा दुखद रहता है. पर इसमें आप ये मान के चलते हैं कि आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम कीजिए, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है. हर कहानी के दो पहलू होते हैं. जो पहलू आप बिल्कुल आपके सामने क्लैरिटी से हैं, उस पे बैचिंग एक्ट नहीं होना चाहिए, और माफ साहब उसके बारे में बात करनी चाहिए, और मैंने हमेशा की है. और ये बात करना कई बार लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि अपने अपने इको चेंबर्स में, अपने अपने स्ट्रेटिफाइड जैकेट्स में वो हैं, उससे थोड़ी सी भी बात कहीं नैरेटिव थोड़ा चला गया, उनकी सुविधा अनुसार बात नहीं हुई डिस्कोर्स पे, तो उनको ये चीज पसंद नहीं है. पर मुझे इस बात की कभी परवाह नहीं है. मेरे लिए ये बड़ा जरूरी है कि मैं कश्मीर में, मैंने कहा कि मैं फिर वही दो श्रेणियों में बांटता हूँ. एक तरफ आदिल अहमद डार जैसे लोग हैं, या इवन शाकिर बशीर जैसे लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हैं, या बुरहान वानी जैसे लोग हैं इतना रेडिकलाइज्ड हैं, या हंजीला जिहादी जैसे लोग हैं वो इतना रेडिकलाइज्ड हैं कि उनको वापस ला पाना बड़ा 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 मुश्किल है. वो निकल चुके हैं, आपके उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, और उनको मालूम है कि आतंकवादी की जिंदगी कश्मीर में बहुत लिमिटेड होती है, कहीं भी होती है, वो अमूमन 6 महीने के अंदर अंदर मारा जाता है. लेकिन मैं कई बार, अब इसमें एक कैरेक्टर जैसे फैजुल इस्लाम है जो कि जेल में है. फैजुल इस्लाम एक छोटा लड़का है, 16-17 साल का, जब ये इस पूरे प्रकरण में फंस जाता है, और उसको जैश के कुछ कमांडर जो हैं वो मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं. वो बड़ा ही इंटेलिजेंट लड़का है, जैसे हमारे आस पड़ोस में, मेरी कम्युनिटी में लोग हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मुझे बड़ा, मैं उनके साथ कंपेयर करता हूँ कि कैसा आदमी होगा. उसमें तस्वीर देखता हूँ, एकदम छोटा सा चश्मा पहने, वो बिल्कुल ऑकवर्ड सी दाढ़ी जैसे टीनेज में, वो 15-16 साल गया लड़के ने अमेज़न पे ऑर्डर किया था. जी जी. तो ये आदमी जो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करना कर रहा है, वो जो डॉक्टर बनना चाहता है, उसके दिमाग में ऐसा क्या जहर उगल दिया गया है कि वो ये सब कारगुजारियां करने पर तैयार हो गया, नंबर एक. और दूसरा, क्या ये कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता, क्या कोई ऐसी लेवल नहीं आ सकती कि इससे पहले कि लंबू और इस्माइल जैसे लोग इस लड़के तक पहुंचे,
क्या इंडियन स्टेट इतना स्ट्रांग, इंडियन स्टेट इसकी पहुंच इतनी नहीं है, इसकी इसकी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है कि ऐसे नौजवानों को पहले टारगेट किया जाए ताकि वो इस रास्ते में भटक कर ना कम से कम मुख्यधारा में अपना फ्यूचर बनाए, अपने परिवार का फ्यूचर बनाए। वाइज इस्लाम ऐसा लड़का है जो काफी प्रेयर्स के बाद अपने घर में पैदा हुआ है, ऐसी उसकी माँ कहती है, और वो कोर्ट रूम में जब अल्टीमेटली उसका गिरफ्तार होता है तो फूट फूट कर रोता है और वो अपनी माँ से एक तरह से माफी मांगता है कि मैं इस पूरे प्रकरण में फंस गया और मुझे नहीं, मेरे से बड़ी गलती हो गई। अब इसमें ऑब्वियसली यू नो द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उससे जो गलतियां हुई हैं उसका मुझे लगता है वो कुछ सेंटेंस तो उसको होगा। लेकिन अगर कोई भी इंडियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नर साहब या कोई भी इस हमारी बातचीत को सुन रहे हैं तो मैं उनसे कम से कम ये अपील करना चाहूंगा कि कम से कम इस पूरे एपिसोड में मैंने उसे जेल में मिलने की भी कोशिश की बहुत, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसमें तरह तरह की दिक्कतें होती हैं ऐसे इंटरव्यू करना किसी से जेल में। लेकिन मैं अपील करूंगा कम से कम कि उसके केस में कम से कम एक सॉफ्ट अप्रोच जो है इंडियन स्टेट, एक बड़ापन का अप्रोच, उसको एक मौका मिलना चाहिए रिफॉर्म का। मुझे नहीं लगता कि शाकिर बशीर रिफॉर्म हो सकता है या आदिल डार जो अब नहीं है वो रिफॉर्म हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है मैं कम से कम इस कोशिश आशा को उम्मीद को जिंदा रखना चाहता हूँ कि कम से कम वाइजुल इस्लाम जो है ये एक ऐसा लड़का है जो रिफॉर्म हो सकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जेल में कम से कम मुझे लगता है उसको इस बात की थोड़ा सा प्रयत्न हो रहा है, उसको किताबें वगैरह दी जा रही हैं, वो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करना चाहता है, मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें करना चाह रहा है। उसको मौका नहीं मिले या ना मिले पर मैं ये दुआ मांगता हूँ कि उसको मौका मिले रिफॉर्म होने का और वो एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छा नागरिक बने और इन सब झंझालों से वो मुक्त हो। थैंक यू राहुल पंडिता। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, जगरनॉट से ये किताब आई है, हार्ड बाउंड की कीमत 499 रुपए है। आई एम श्योर इसके जो इनकी ऐप पर कीमत होगी वो कम होगी क्योंकि तब आपकी छपाई की कॉस्ट बच जाती है। एज द एंकर ऑफ किताब वाला, एज द एडिटर ऑफ ललन टॉप, आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक। मतलब जो एक साल के आखिर में भी आप सूची बनाते हैं उसमें भी मैं अभी से, मुझे पता है कि ये किताब रहेगी ही, और राहुल पंडिता की तीनों ही किताबें मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, हेलो बस्तर, अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स एंड नाउ दिस लेटेस्ट बुक, क्योंकि जो आपको इनके कहे में एम्पैथी दिख रही है, या जैसे आशुतोष भारद्वाज की एक किताब मैंने आपको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड की थी, द डेथ स्क्रिप्ट, राहुल भाई आपने तो पढ़ी होगी, क्या जी, जी। कमाल ढंग से वो नक्सल एरिया पे किताब लिखी गई है कि आपको 360 डिग्री में पिक्चर दिखे, सिर्फ किसी एक नरेटिव के हिसाब से आप अपनी राय ना बना लें, उग्र ना हो जाएं, एक कंप्लीट सॉल्यूशन देखें। आपने देखा होगा राहुल ने बार बार कहा कि क्या इंडियन स्टेट उनको टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करता रहे, लेकिन ये जो यंग रिक्रूट्स हैं उनको कैसे उस रिक्रूटमेंट, उस खाद पानी को बचने से रोका जाए। राहुल पंडिता, आपसे बात करना मेरे लिए हमेशा इंसाइटफुल होता है, आपने ललन टॉप को इतना वक्त दिया उसके लिए थैंक यू, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में भी इस तरह की कहानियां, चाहे वो आदिल अहमद डार और इदरीस उर्फ फारूक की कहानी हो, या नरेंद्र नाथ धर दुबे जैसे जाबाज अफसरों की कहानी हो, राकेश बलवाल जैसे NIA के अफसरों की कहानी हो, हमारे सामने लाते रहें ताकि हमारे लिए किसी भी पाले से मरने वाला व्यक्ति, चाहे वो हमारे शहीद हो चाहे आतंकवादी हो, उनके पीछे की बैकग्राउंड, उनके पीछे की कहानी सिर्फ एक नंबर बन के ना रह जाए और हम इस पूरे मसले को तफसील से समझ सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ, मैं आपके काम का एक बड़ा एडमायरर हूँ और जब मेरे पब्लिशर ने चीकी ने मुझसे कहा कि आप इस किताब के बारे में मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरा पहला इंटरव्यू है इस किताब को लेकर और मुझे खुशी है कि मैं पहला इंटरव्यू ललन टॉप और आपके साथ ये सौरभ में कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ। आज के किताब वाला में इतना ही, और कौन सी किताब पढ़ी जाए तमाम व्यस्तताओं के बीच वक्त निकालकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपने राम पूरी कोशिश करेंगे और नहीं पढ़ पाएंगे तो कम से कम अपनी टीम वालों को उसकी तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।